Excuse me, sir, there is no sound coming from your side. So, Dr. Yogindranath Sharma Arunji, who is our distinguished lecturer today in our distinguished lecture series, Professor Madhav Haraji, our other fellows who are present today, and also fellows and friends who are joining through the webinar. So, jaisa ki main keh raha tha ki aaj Chhath Puja hai, it's a special day and it's a very old tradition. Because aaj Surya ki upasana hoti hai, and I think we should ask for good wishes today and prayers, because tomorrow we are celebrating our Foundation Day. And I'm very happy that Dr. Yogindranath Sharma Arun will give the special lecture tomorrow for our convocation when the Minister, Shiksha Mantri Ji, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank Ji will also address all of us. So that will be at 11 o'clock tomorrow. 10:30 is tea time. So I hope as many of us who are on campus can make it, should try to make it, and others can join, like Professor Raju, who I see will, I hope, join us by webinar. Now, today is also special because, you know, there is a tradition, jaisa aap sab jante hain, कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक कविता पाठ होता है, और काफी मशहूर कविता पाठ होता है दिल्ली में. तो हम चाहते हैं कि आज भी, आज की संध्या भी, पहले तो हम सर को सुनेंगे, उनका व्याख्यान है और शीर्षक भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक भी है, समाज साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध. ये बहुत ही प्रासंगिक हमारे लिए विषय है, और डॉक्टर अरुण जी इस पे प्रकाश डालेंगे, और उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे, है ना. और ये कई दिनों से हम चाहते थे. अलका जी, मैं देख रहा हूँ आपको, अलका जी बहुत अच्छी कवि हैं जी, और कई दिनों से, कई महीनों से इनकी कोशिश थी कि शुक्रवार को एक एक्स्ट्रा म्यूरल कार्यक्रम में हमारे यहाँ एक कविता पाठ हो. इच्छा आपकी वजह से सब पूरी हो रही है. ये कुछ अहिल्या और रामचंद्र जी टाइप की चीज थी. ये इच्छा थी, वो अहिल्या के रूप में एक पाषाण बन गई थी, और वो हो ही नहीं पा रही थी. कुछ ना कुछ बाधाएं आती थी. हमारे सचिव जी भी उस पर कुछ लिख डालते थे फाइल पे. मैं अप्रूव करता था कि कविता हो, और वो कहते थे कविता ना हो. लेकिन अब कविता हो रही है ना. तो इसमें भी हम लोग शामिल होंगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर के हमारे मौजूद इतने कवि हैं. मुझे पता ही नहीं था. जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, यू नो. जैसे हमारे राजेश जी भी एक कवि है. खड़े हो जाइए राजेश जी. हमारे हिंदी अफसर हैं जी, जी. बहुत अच्छे हैं दिल के, बहुत उदार दिल के हैं, लेकिन कविता रोमांटिक नहीं लिखते सर. ये क्रांतिकारी है, हमें पता ही नहीं था, आज पता चला. जो इतने सॉफ्ट स्पोकन हो, इतने मृदुभाषी हो कि इनसे कभी ऊंची आवाज भी नहीं आती है, तो क्रांतिकारी कवि है. बैठिए राजे, राजेश जी, हम आपकी कविता जरूर सुनेंगे. आप मेरे खिलाफ लिख दीजिए, मुझे बहुत आनंद होगा, चिंता मत कीजिए. ये यहाँ स्वच्छंद माहौल है, और जैसे सर जानते हैं, इन्होंने बहुत लिखा है इस विषय पे. साहित्य का एक अपना एक स्वातंत्र्य होता है, है ना. ये किसी पक्ष या किसी गुट, है ना, या किसी राजनैतिक दल के अधीन नहीं होती कविता, है ना. कविता जो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम जिक्र करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं लिया जा सकता जैसे वेस्ट में है. लेकिन हमारे यहाँ भरत के नाट्य शास्त्र में लिखा है कि देखो, वहां पे जो हमारा स्टेज है ना, उस पे देव असुर संग्राम हो रहा है. आप असुरों की पिटाई हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टेज को जला दो. आप समझ रहे हैं? उसी तरह अगर असुर जीत रहे हो और देव हार रहे हो, तो भी चलना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है जो कला की दुनिया है. और जो कवि है, कवि एक हम कहते हैं सृष्टिकार है, और शब्द ब्रह्म होता है. शब्द ब्रह्म से ही पूरी रचना होती है सृष्टि की.
इसके बारे में सर मेरे से बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ही चीज कहनी है। हम लोग दरअसल मिले थे ग्वाडलाहारा मेक्सिको में, जी और एक ही होटल में हम लोग रहते थे, और कई छोटी मोटी दिक्कतें आती थी कमरे में, खाने में ज्यादातर बहुत सारे हम लोग शाकाहारी थे, सर तो जी बहुत प्रचंड शाकाहारी है, तो सिर्फ फलाहार ही करते थे। तो मैं तो जाके मैक्सिकन फूड मुझे पसंद है, तो मीट मीट छोड़ के हम दूसरी चीजें खाते थे। मैं वो भी नहीं लेकिन खाता था। तो सर ऐसे होता था कि हम होटल से वेन्यू जाते थे तो एक ही वैन में हम लोग जाते थे, तो सुबह चलते हम लोग सारे चुप होते थे, लेकिन सर हमारे सबसे सीनियर थे 80+, तो इतना सबको प्रोत्साहित करते थे, उत्साहित करते थे, और इनसे कोई मैंने आज तक एक भी नेगेटिव बात सुनी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बातें आती हैं, है ना। तो हम लोग चुप बैठते थे और हमको ये हंसाते थे, किसी को प्रवोक करते थे, किसी को कहते थे भाई आपने आज गुलाबी क्यों पहना, आज खास कारण क्या है। और अगर आप इनसे व्हाट्सएप में जुड़ेंगे, हर रोज आपको फूल भी मिलेंगे और फूल के साथ दोहा एक भी नई मिलेगा। कविता, एक नई रचना भी मिलेगी। तो आज की काव्य संध्या मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी, हमारे यहाँ संस्कृत में भी कविता होगी, जी हाँ, है ना, जो पढ़ाएंगे बलराम जी। और बलराम जी आपको बहुत खुशी होगी कि सर ने भी प्राकृत में पीएचडी की है, और उन्होंने मुझे बताया कि पीएचडी का विषय उनको जब किसी ने सुझाया तो उन्होंने कहा मुझे तो प्राकृत नहीं आती, पूरी सीखी मास्टरी भी उन्होंने हासिल की और पढ़ाया भी, है ना। तो और एक मुझे एक चीज आपसे शेयर करनी है सर, अगर आपकी इजाजत हो बताए। तो। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, है ना, ये करुणा देवी की देन है, इसका नाम है द टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग। क्योंकि देखिए ना कि हमको मौत से समझौता करना ही पड़ेगा, आज नहीं बिल्कुल तो कल, ये एक ही चीज है जिसको आप नकार नहीं पाओगे, ये एक ही सत्य है ना। खैर, तो लेकिन उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा है कि जैसे बौद्ध धर्म में मान्यता है सर, स्पेशली महायान बुद्धिज्म में, कि तीन कायाएं, हमारे यहाँ भी तीन काया होती हैं, तो वहां होती है एक धर्म काया, संभोग काया और निर्माण काया, ये एक अवधारणा है। तो उन्होंने कहा निर्माण काया यानी जो मैनिफेस्टेशन होती है, बिल्कुल जो एम्प्टीनेस है, या जो वो कहते हैं रिग्पा, जी, यानी जो इल्यूमिन ग्राउंड ऑफ बीइंग, यानी वो प्रकाशवान जो सृजन कहां से आया। सृजन वहीं से होता है ना। तो उनका कहना है कि जब सृजन होता है तो कई प्रकार के लोगों की का अवतरण होता है, अवतार लेते हैं, तो जो उच्च कोटि के हैं उनमें तीन का उन्होंने उदाहरण दिया है। तो एक तो कहते हैं बुद्ध ही है जो बिल्कुल पूरे अवेकंड है, कई मतलब जन्मों से वो कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी तरह से अवेकंड कह सकते हैं, प्रबुद्ध होके ही जन्म लेते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। फिर कहते दूसरे भी है जैसे बोधिसत्व है, तो एक उनकी संज्ञा है सर तुलकु, तुलकु यानी वो भी बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं और उनमें कई विशेषताएं हैं, कई उनके पास शक्तियां हैं, है ना, सिद्धियां होती हैं, और दूसरों की मदद के लिए आते हैं। फिर वो कहते हैं तीसरे भी है जो कवि है, आविष्कारक है, बड़े वैज्ञानिक है ना, समाज शास्त्री है, और सोशल वर्कर है, डॉक्टर है, हमारी डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। तो वो फुल्ली एनलाइटन हो ना हो, लेकिन उनके माध्यम से दूसरों का भला होता है। तो कवि भी वैसे हैं जिनके माध्यम से पता नहीं कौन सी प्रतिभा आती है, कहाँ से शब्द आते हैं, है ना। तो वो इंट्यूशन, इंट्यूशन कहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे श्री अरविंद रोचक कहते हैं कहता सर ओवर माइंड, है। जी तो हमारे मन से शब्द आते ही नहीं है, उन्होंने कहते हैं वो, उन्होंने एक संज्ञा दी है ओवर माइंड, तो ऊपर से कहीं से शब्द आते हैं, और बिल्कुल कवि माध्यम है। अब हम रॉक स्टार्स की बात करते हैं, जिम मॉरिसन थे, डोर्स नाम की ग्रुप थी, तो 30 वर्ष के पहले मर गए, ड्रग्स लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, और इतने जल्दी वो गुजर गए, लेकिन उनके म्यूजिक में अजीब सा प्रभाव है, अजीब सी ऊर्जा है, कोई भी जो उनका म्यूजिक देखेगा, और उसके लिरिक्स भी जबरदस्त लिरिक्स है ना। तो कहाँ से आई प्रतिभा। और आज भी आप विश्वास करेंगे, पेरिस में एक वहां पे एक स्मशान है, यानी कब्रिस्तान जी है, तो उनके कब्र पे आज भी लोग फूल जाके चढ़ाते हैं। तो वो खुद तो एनलाइटेड नहीं थे, शायद तुलकु या कुछ भी नहीं थे बोधिसत्व, लेकिन उनमें एक प्रतिभा थी, और उनके माध्यम से कई लोगों को
कुछ प्रतिभा मिली, कुछ प्रेरणा मिली, तो कवि वैसे होते हैं। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं अब माधव हाड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि आप इसको चलाइए, मैं दोबारा आता हूं और मैं भी थोड़ा सुन के फिर वहां से ऊपर से जुड़ के फिर मैं दोबारा आता हूँ। सर व्याख्यान के लिए आपको रहना चाहिए सर 10-15 मिनट वहाँ, वो उस कमरे वहाँ जो कक्ष है ना जहाँ पे कल हमारा कार्यक्रम है उसको टेस्ट करना है। करिए, आइए सर, आइए। सम्माननीय डॉक्टर योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण जी, हमारे संस्थान के सम्माननीय निदेशक प्रोफेसर मकरंद परांजपे जी, अध्येता मित्रों, बाहर से आए हुए अतिथिगण, वैसे सम्माननीय निदेशक ने शर्मा जी का कुछ परिचय तो आपको दे ही दिया है। ऐसा है, ज्यादा मत कहिएगा, जो मैं बोलूंगा वो परिचय हो जाएगा। ये औपचारिकता है, क्या करनी, आप जैसा हो आपके बीच में। मैं बहुत कुछ नहीं कही, विषय से संबंधित और आपके कृति व्यक्तित्व से संबंधित दो तीन संक्षेप में बातें कहकर समाप्त करूं। आप सब बैठिए, मेरी जिला दिया कर प्रोफेसर शर्मा अरुण बहुआयामी विकृति व्यक्तित्व, ये थोड़ा दुर्लभ संयोग है, हिंदी में कम होता है। वे कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, आलोचक भी हैं और बाल साहित्यकार भी। एक साथ इतने संयोग, इतनी प्रतिभाएं एक साथ संयोग में हिंदी में कम होती। अक्सर लोग कवि आलोचक होते हैं या कथाकार आलोचक होते हैं या कथाकार और कवि होते हैं, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व की, कृति व्यक्तित्व की विशेषता है। एक और खास बात आपके कृति व्यक्तित्व की है कि हिंदी की कुछ बहुत छूट गई या पिछड़ी हुई प्रवृत्तियां, जो बहुत जरूरी प्रवृत्तियां हैं, मुझे लगता है कि उनमें उनकी विद्वता का निवेश है। जैसे हिंदी में अब महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे, प्रबंध रचना लगभग समाप्ति हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, एक वैदुष्यमणि विद्योत्तमा और युग दृष्टा स्वामी रामानंद। पहली बार देखा, हाँ, मुझे लगता है कि ये प्रबंध रचना की प्रवृत्ति हिंदी में लगभग समाप्त प्राय है, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय आपको जाता। एक और खास बात जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बलराम जी काम कर रहे हैं, लेकिन अपभ्रंश, प्राकृत और पाली जी, मुझे लगता है कि आधुनिक हिंदी की बुनियाद है ये तीनों भाषाएं, बल्कि सारी आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं की बुनियाद है, जननी है, लेकिन इनके प्रति भी एक अवहेलना और उपेक्षा का अभाव हमारे यहाँ साहित्य में है, और ये प्रसन्नकारी विषय है कि ये आप इन तीनों भाषाओं की विशेषज्ञता रखते हैं। एक और बात मुझे लगता है कि मुख्य धारा के बड़े साहित्यकार बाल साहित्य में प्रवृत्त नहीं होते, जबकि उसकी बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ के बड़े बहुत सारे साहित्यकार थे, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हुए, स्वयं प्रकाश हुए, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारा जरूरी साहित्य लिखा। ये प्रसन्नकारी विषय है कि आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी किताबें लिखी, और मुझे लगता है कि ये एक अलग प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्ति है, अलग प्रकार का अनुशासन है, और उसमें भी आपको विशेषज्ञता अर्जित है। आज जिस विषय पर बातचीत करेंगे, मुझे लगता है हिंदी में ये इतना बहुचर्चित, इतना विवेच्य विषय है कि इस पर बहुत कहा गया जी, बहुत लिखा गया है, खासतौर पर उस दौर में, शीत युद्ध के दौर में, जब दाएं बाएं की धड़े बंदी अपने शिखर चरम पर थी, तब इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। लेकिन एक खास बात भी है कि इस दाएं बाएं की धड़े बंदी में और उठा पटक में बहुत सारी चीजें छूट भी गई। जैसे मुझे लगता है साहित्य की अपनी प्रक्रिया, साहित्य के अपने स्वरूप और साहित्य के अपने अनुशासन पर हिंदी में विचार की परंपरा समाप्त हो गई, और केवल मुझे लगता है कि साहित्य खुद मुख्तार भी है,
ये बात लगभग हिंदी साहित्य में छूट ही गई, तो मुझे लगता है कि आज इस विषय पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे कि वो समाज से संबद्ध होते हुए भी अपनी खुद मुख्तारी को कैसे सुरक्षित रखता है। एक और बात जो मुझे लगती है कि समाज, साहित्य और संस्कृति, इनमें से हमारे यहाँ संस्कृति को लेकर बेतुकी चर्चाएं बहुत हुई। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि उसे हमारे अज्ञेय, हमारे बड़े साहित्यकार हैं, और अज्ञेय ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी परंपरा में संस्कृति शब्द है नहीं, ये अंग्रेजी कल्चर का पर्याय है। हमारी परंपरा में जो शब्द है वो धर्म है। हम आज संस्कृति का जिस रूप में व्यवहार करते हैं, कमोबेश इसी रूप में हमारी परंपरा में धर्म का व्यवहार होता है। अन्याय का प्रतिरोध भी हमारे यहाँ धर्म के दायरे में आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है भुला ही दी गई। संस्कृति पर की चर्चा मुझे लगता है इस रूप में नहीं हुई, और मुझे लगता है इन तीनों की पारस्परिकता, इन तीनों का जो अंतर संबंध है, उसको जिस तरह से समझा जाना चाहिए था, हिंदी में विडंबना ये कि वो नहीं समझा गया। मैं बहुत देर तक आप प्रबुद्ध वक्ता और आपके बीच में नहीं रहकर आपको आमंत्रित करता हूँ। वे 50 से अधिक पुस्तकों के सर्जक हैं, ये इससे उनके रचना कर्म का अनुमान कर सकते हैं। हिंदी के 2 शिखर सम्मान, शीर्ष सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। एक केंद्रीय साहित्य अकादमी का भाषा सम्मान, जो मध्यकालीन भाषाओं पर काम करने वाले किसी विद्वान को एक बार उत्तर भारत में और एक बार दक्षिण दक्षिण भारत में दिया जाता है, वो सम्मान आपको मिला है। और केंद्रीय इंडियन हिंदी संस्थान आगरा का विवेकानंद सम्मान, वो भी हिंदी में बहुत शीर्ष सम्मान माना जाता है साहित्यिक विमर्श में, वो भी आपको प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त आपने कई देशों की, यूरोप, अमेरिका सहित कई देशों में विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए हैं। मैं आपको बहुत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी बात कहें। आदरणीय योगेंद्रनाथ जी शर्मा, अभी मैं भी खड़ा नहीं होता हूँ, थकने लगूंगा तो बैठ जाऊंगा। बैठ के बैठ भी बोल सकते हैं आप, आराम से के बोलिए। बैठ डॉक्टर साहब जैसे बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने जब मुझे कैप्सूल दिया था, आज मैंने लिया नहीं जानबूझ के, नींद आने लगी थी, जानबूझ के नहीं लिया मैंने। उसे रखने भी सही कह माइक दिया। ऑन, हाँ कर रहे हैं। इसी से काम चलेगा ना, रख भी देंगे। ठीक ठीक माइक सुनाई दे रहा है अच्छे ठीक। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के माननीय निदेशक प्रोफेसर मकरंद परांजपे साहब, मेरे मित्र माधव हाडा जी और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी विद्वान मित्र, सच ये है कि आपके बीच में से ही मैं भी एक हूं। ये तो व्यक्ति कुछ करता है, हम सहज रूप में उसके करने को सम्मान देने लगते हैं, और ये हमारी परंपरा भी है। लेकिन मैं जब अपनी बात शुरू करता हूं तो एक मुक्तक कहा करता हूं, वहीं से बात शुरू कर रहा हूं। बहता जाता है जीवन, चलता जाता है। बहता जाता है जीवन, चलता जाता है। आता है इंसान यहां तो जाता है, पर विश्व याद करता है केवल उसको ही जो समय रेत पर अपना पांव जमाता है। आवश्यकता इस बात की है कि फिसलते हुए समय के रेत पर हम पांव कैसे जमाएं, क्या ऐसा करें कि लोग हमें याद करें। याद तो गुंडों को भी किया जाता है, वो भी होते हैं यार, बहुत बदमाश था, लेकिन था। लेकिन जो गुणी होते हैं उन्हें जब हम याद करते हैं तो अतीत में ले जाते नहीं, वर्तमान में ले आते हैं। तुलसीदास ने कहा है, प्रसाद जी कहते हैं, पंत जी कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं, बर्नार्ड शॉ कहते हैं,
ये नहीं कि बर्नार्ड शॉ ने कहा था, गुंडे ने कहा था, बर्नार्ड शॉ तो कहते हैं, आज भी कहते हैं, कालजयी हो जाते हैं। तो समय की रेत पर पांव फैलाने जो कर लेता है, जमा लेता है, वो जीवन में कुछ करता है। मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से मैं भी मैक्सिको गया और आपके विद्वान निदेशक वहां मुझे मिले। हम लोगों की चार संगोष्ठियां हुई, उन दो में जो संचालन करने वाले थे, माने हमें नचाने वाले थे, वो परांजपे जी थे। और वहीं से मुझे लगा कि हम लोगों को इस यात्रा में और कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति से हमारी भेंट अवश्य हुई है। और आज वो भेंट बहुत अच्छा फल दे रही है मुझे कि मैं आप सबके दर्शन कर पा रहा हूं। मित्रों, आज जो मैंने विषय लिया है, समाज, साहित्य और संस्कृति, इन तीनों का अंतर संबंध, मुझे परांजपे साहब ने बताया था कि हमारे 17 फेलो जो आज हैं इस वक्त, उनमें कोई मैथमेटिक्स के भी हैं, वो आए हैं क्या? मैथमेटिक्स वाले हैं? हाँ राजू सर। बहरहाल मैं मैथमेटिक्स से बहुत डरता रहा हूँ लगभग। अरे कोई डरने की बात नहीं है। मैं आप ही से शुरू करूंगा। देखिए, मैं तो इतना डरता था कि 12वीं तक मैं साइंस मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था, लेकिन मैथमेटिक्स को भी रट के याद करता था और माइनस की जगह प्लस हो जाता था, प्लस की जगह माइनस, और मेरे जीरो नंबर आ जाते थे, फंस जाता था। लेकिन आज जो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ मित्रों, कहीं उसी मैथमेटिक्स से बात शुरू कर रहा हूँ। मेरे मित्र सामने बैठे हैं। रेखा गणित में एक सम त्रिबाहु त्रिभुज होता है, और त्रिभुज का एक आधार और दो भुजाएं चलती हैं, और उनका तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, और योग होता है 180 180। अब आप देखिए, तीन भुजाएं हैं, आधार के साथ दो भुजाएं खड़ी हैं, एक भुजा हटा दीजिए, जैसे एक भुजा हटती है दो कोण चले जाते हैं, केवल एक कोण रह जाता है, एक के जाने से दो कोण चले गए, यानी अब वो 180 की जगह सिर्फ 60 रह गया, एक कोण रह गया। बिल्कुल वैसे ही समाज आधार है, साहित्य और संस्कृति वो दो भुजाएं हैं जो इस आधार को दो 60-60 के अंश और दे देती हैं, और हम 180 हो जाते हैं। 180 क्या है मेरे मित्रों, जरा फिलॉसफी की तरफ चलें। व्रत अगर ले लें तो आधा व्रत जब रहेगा तो 180 बनेगा, पूरा व्रत हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। 180 जोड़ दें तो 9 बन जाता है, 360 जोड़ दें तो 9 बन जाता है। मेरे यहाँ गणित में कहा जाता है, 1 ईश्वर, 8 माया, 0 सृष्टि। 1 और माया और ब्रह्म के बीच ये सृष्टि है बीच में, और जिस दिन कोई व्यक्ति माया और इससे अलग हटकर परमात्मा मिल जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, जिसे हम परमहंस कहते हैं, उसके सामने हम लगाते हैं श्री श्री 108। अब क्या करें, साधुओं को पता तो होता नहीं, बोले वो तो बड़े महंत जी थे, तो 1008 लगा दो। नहीं नहीं 1,08 लगा लो, तब भी जोर 9 ही आएगा मित्रों। तो आप 9 के अगर पहाड़े को आप देखें तो निरंतर एक ही रहता है, योग एक ही होगा, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 8 एक 9, 9 तिया 27, 2 सात 9, 9 चौक 36, 4 तीन 9, जितना 9 ही 9 रहेगा, पूर्ण होगा। तो पूर्ण मिदम वो स्थिति है 9 के पहाड़े की, और 8 का पहाड़ा माया है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता है। जैसे संपत्ति बढ़ती है तो मन सलील खिल जात, माने मन का दरिया बढ़ने, और जब घटने लगती है, लाला जी को अगर घाटा हो गया तो गए, उड़ गए, फिर कहीं नहीं रहे। माया घटती और बढ़ती है, लेकिन है तो ब्रह्म की ही। अगर ब्रह्म की शक्ति ना हुई होती तो महाकवि तुलसीदास ये ना कहते, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। ए राम, आप तो श्रुति सेवक हो, माने आप श्रुति के पालक हो, और जानकी आपकी माया है। आपकी माया क्या है, क्या काम करती है? तीन काम करती हैं, सृजन करती हैं, संहार करती हैं और पालन करती हैं, ये तीनों। तो आप ये देखिए कि आज अगर आप समाज के साथ, साहित्य के और
संस्कृति के इस संबंध को देखना चाहें तो आप ये मानकर चलिए कि समाज वो आधार है जिसके बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। कामायनी विश्वकृति मान ली गई है, महाकवि प्रसाद की कामायनी। कहां से शुरू होती है? पहला सर्ग है चिंता, अंतिम सर्ग है आनंद। मैं कहा करता था अपने विद्यार्थियों से कि कामायनी को तो एक वाक्य में कह सकते हैं। कामायनी क्या है? चिंता से आनंद तक की यात्रा। हमारी भी यात्रा यही है, हम भी चिंता से आनंद तक की यात्रा करना चाहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेगा, जिसने भी सबसे पहले लिया होगा अकेला रहा होगा, उसके बाद एक और उसे मिला, मनु को श्रद्धा मिली, और मनु को श्रद्धा मिली, मानव का जन्म हुआ, मानव आया, हम मनु की संतान कहलाते हैं सब। तो हम जब समाज बनाते हैं तो समाज अपने आप नहीं बनता, व्यक्ति इकाई है। और उसके बाद जब दो दो फैमिली होते हैं और तीन के बाद समाज हो जाता है, तीन के बाद समाज हो जाता है, पति पत्नी समाज नहीं होते, पति पत्नी एक दूसरे के मित्र होते हैं, अर्धांग होते हैं, वो समाज नहीं होते। हाँ, जिस दिन पुत्र पुत्री कोई भी हो गया वहां से फैमिली बननी शुरू होती है, परिवार समाज का एक अंग बनता है। तो समाज क्या है मेरे मित्रों? समाज है जहां जाकर व्यक्ति अपने आप को पूर्णता में पाता है, अपने आप को दूसरों में जाकर ध्वनित होता देखता है, वो समाज है। अब देखिए अंग्रेजों की स्थिति देखिए, हमें कहते थे मैन इज ए सोशल एनिमल, हमें जानवर कहा, लेकिन हम तो कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि जहां भी प्राण होंगे वो समाज का अंग बन जाएगा। आप इतना बड़ा दर्शन आपने कहा अभी मेरे मित्र माधव जी ने, मेरे यहां तो ये भी कहा गया कि एक इंद्रिय प्राणी भी होते हैं, पंचेंद्रिय तो हम हैं, जहां एक इंद्रिय भी है, वृक्ष क्या है, फल रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें प्राण होंगे, तभी तो बढ़ रहा है, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा। और जब आप छुई मुई को देखते हैं, आप जरा सा छू देते हैं और वो मुरझा जाती है, क्यों? स्पर्श का भी गुण है उसमें, स्पर्श से तो वहां तो दो इंद्रिय आ गई, स्पर्श भी आ गई और बढ़ने की भी आ गई। तो कहना मेरा यह है कि समाज व्यक्ति से तब बनता है जब व्यक्ति अपने आप को कहीं प्रतिफलित होने देखना चाहता है, और व्यक्ति अपने आप को अगर कहीं ध्वनित होते देखता है तो समाज में देखता है। अब समाज क्या हुआ? अभी हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि मुझ में पॉजिटिवनेस ही पॉजिटिवनेस है, हम सब में है, हम सब। आप देखिए ना, मेरी अपनी भाषा संस्कृत से हम हिंदी तक जहां भी आए हैं, मेरा तो प्रत्येक वर्ण अपने आप में बीज है, और इसीलिए हम बीज मंत्र कहते हैं। आप क्या समझते हैं खग क्यों बन गया? ख आकाश है, ग जाने वाला है, जो आकाश में जाता वो खग है। ह ठ हठ योग क्यों बन गया? एक सूर्य एक चंद्रमा है, इन दोनों का योग कर दीजिए, हठ योग हो जाएगा। अब आप देखिए, बायोलॉजी वाली हमारी डॉक्टर बैठी हैं, जब भी कभी आप शरीर की बात करते हैं तो आपकी एक धमनियां जाती है शुद्ध रक्त लेकर, शिराएं आती हैं अशुद्ध रक्त लेकर, दोनों दिल में जाती है, एक दाया आरिकल एक बाया आरिकल, और वेंट्रिकल में सिर्फ शुद्ध रक्त होता है, वो ऊपर दिमाग तक जाता है, यहाँ के बाद वेंट्रिकल देता है, और नीचे सब दोनों दाया और बाया वो दे देते हैं। तो ये जो दो हमने शिराएं और धमनियां कहीं, यही जाकर कभी हमारी ईड़ा और पिंगला हो जाती थी, ईड़ा पिंगला हो जाती थी, और वहीं से हमने साहित्य से धर्म भी आ गया, साहित्य से दर्शन भी आ गया, लेकिन इन दोनों का जन्मदाता तो समाज है। समाज ना हुआ होता तो ना साहित्य होता, ना धर्म होता, ना संस्कृति होती। अब जब साहित्य आ गया और ये समाज आ गया, तो हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं व्यक्त करना चाहता है, कोई भी हो। अंग्रेजी में तो कहावत है, एवरी मैन इज ए बाथरूम सिंगर, जहां ठंडा पानी पड़ा नहीं शुरू हो गई थी। हर आदमी अपने बाथरूम में गायक है, खूब गाता है, उसे अपना गाना अच्छा लगता है। मैं हरिद्वार का हूं, मेरे माता पिता दोनों गंगा हमेशा नहाते थे, तो मैं जब कविता करने लगा तो एक दिन मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे कि भाई हमारे जो ये लाला जी हैं राम रखा जी, भाई ये भी एक कविता कहते आते हैं, हम तुझे सुना दें। मैं कहा सुना दो फिर बताना। तो बोले वो कहता है, ए गंगे तेरी लहर पे मेरा मन आया, सारे पाप उतर गए जब सवेरे गोता खाया। बहुत अच्छी भावना है उसकी, चूंकि लाला जी हैं बेचारे, उन्होंने काव्य शास्त्र नहीं पढ़ा, उन्होंने संस्कृति के अर्थ उस रूप में नहीं समझे जिस रूप में मैं समझता हूं।
तो मैंने कहा पिताजी लाला जी बहुत अच्छी कविता करते हैं लेकिन मंच पे सुनाएंगे तो लोग हंसेंगे क्यों। मैंने कहा गोता खाया जो है ना ये शब्द समाज तो स्वीकार कर लेगा, साहित्य स्वीकार नहीं कर रहा, ये होगा। तो कविता वो कह रहे हैं बिल्कुल बढ़िया है, ए गंगे संबोधन भी कर दिया, मतलब श्रद्धा भी व्यक्त हो गई, तेरी लहर पे मेरा मन आया। अब आप लहर गंगा में लहरें ही तो हैं और उस पर मन आया का मतलब है मैं तो मोहित हूं, मैं तो आकर्षित हूं तेरी गंगा की लहरों से और सारे पाप उतर गए। देखिए गंगा का वो धर्म जिसमें सगर के पुत्रों को तारने के लिए ही तो गंगा को लाए थे भगीरथ, तो सारे पाप उतर गए, सवेरे ही गोता खाया। अब गोता खाया का मतलब उन्होंने बेचारों ने काव्यशास्त्र नहीं पढ़ा इसलिए वो शब्द ढूंढ के नहीं ला सके जो किसी एमए करने वाले को या शास्त्री को या आचार्य को मिल जाता, उन्होंने वो शब्द लिख दिया। तो इस तरह से कविता कब आएगी, साहित्य कब आएगा, आप देखिए यहां से शुरू हो जाए। समाज है, समाज में व्यक्ति जब मिल जाता तो उसे परंपराएं मिलती हैं, परंपराएं मिलती हैं वो आपस में मिलने से बनती हैं। समाज का मूल आधार होता है एक दूसरे का सुख दुख बांटना। शुरू के व्यक्ति लड़े नहीं होंगे, शुरू के व्यक्ति ने एक दूसरे को बुला के ये कहा होगा मैं तेरा ये काम कर दूं तू मेरा ये काम कर दे, ये नहीं हुआ। पहले जन्म लिया होगा तो सौहार्द ने लिया होगा, पहले जन्म लिया होगा तो सहयोग ने लिया होगा, पहले जन्म लिया होगा तो सहानुभूति ने लिया होगा, यानी पॉजिटिव जीवन मूल्यों ने लिया होगा, सकारात्मक जीवन मूल्य पहले पैदा होते हैं। जब तक सकारात्मक पैदा नहीं होगा मित्रों, नकारात्मक तब आता है और एक दफा अगर नकारात्मक मिट गया तो सकारात्मक हमेशा जिंदा रहता है। उदाहरण देता हूं आपको, अपवित्रता लिख लीजिए अभी और उसमें से जब आप अपवित्रता में तो पवित्रता है लेकिन जिस दिन पवित्रता बन जाएगी अपवित्रता नहीं रह सकती, अपवित्रता में पवित्रता है। आप लिख लीजिए अपवित्रता तो पवित्रता है वहां, और जब अ हट गया उसका निगेटिविटी खत्म हो गई, सिर्फ पवित्रता रह गई, यही बात है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर असुर और देव दोनों को लेकर चलता है, हमारे इस 5 फीट में रोज देवासुर संग्राम होता है, संकल्प विकल्प होते हैं और वहीं उन संकल्प विकल्पों से ही साहित्य जन्म लिया करता है। अब आप देखिए मेरा संस्कृत का आचार्य वो ये कहता है कि काव्य के हेतु 3 होते हैं। क्या होते हैं तीनों हेतु? पहले हेतु कहते प्रतिभा, दूसरा हेतु कहता शास्त्र ज्ञान या व्युत्पत्ति जिसको भी, और तीसरे में अभ्यास। अब आप देखिए कहां उसके बताए हुए तीनों हेतु धर्म से भी जुड़ रहे हैं, संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं और व्यक्ति से भी जुड़ रहे हैं। प्रतिभा कौन देता है? बाजार में नहीं मिलती। आप किसी लाला की दुकान पर जाके पंसारी की दुकान पर कहें कि जरा 2 रुपए की प्रतिभा दे दो, नहीं दे सकता, ईश्वर देता है, प्रकृति देती है, वहां से मिलती है। तो प्रतिभा जिसके पास है अब उसको क्या चाहिए प्रतिभा को निखारने के लिए? अरे भाई आप जब किसी खान को खोदते हैं तो ओर निकलते हैं, ओर में ही सोना होता है, ओर में ही लोहा होता है, ओर में ही तांबा होता है, उसके बाद आपको उसका शोधन करना पड़ता है। आप शोधन करते हैं और शोधन करने के बाद तपाते हैं आग में, सोना है तो जरा ऊंचे टेम्परेचर तक चला जाएगा, तांबा है तो कम पे पिघल जाएगा, लोहा है तो और लोहे को और जलाए जाइए इस्पात बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। तात्पर्य मिला हमें सब कुछ ओर के रूप में, यानी एक धूल के रूप में, मिट्टी के रूप में, वहां से निकले तपे हम। तो समाज यही कहता है कि समाज में आप आए हैं तो ओर हैं, ओर के रूप में हैं, और साहित्य हमें फिर निखारता है, साहित्य हमें तैयार करता है। कैसे? प्रतिभा ईश्वर ने दी, शास्त्र ज्ञान समाज ने दिया। भारत का कोई व्यक्ति अगर कविता लिख रहा होगा तो नदी के रूप में गंगा को प्रयोग करेगा, यमुना को प्रयोग करेगा, सरस्वती को प्रयोग करेगा, लेकिन लंदन का अगर कवि लिख रहा होगा तो टेम्स को प्रयोग करेगा, वो गंगा नहीं कहेगा टेम्स कहेगा, क्योंकि उसने टेम्स देखी है, मैंने गंगा देखी है, मैं अपने यहां की बात कर रहा हूं। तो समाज हमें देता शास्त्र ज्ञान, माने आप किसी से कहिए कि भाई भारत में कोई बात कर रहा तो राम की कथा ले लेगा, महाभारत की कथा ले लेगा, कहीं और की कथा लेगा, तो वो लेगा जो लोक जीवन में चल रही हैं। आपको किसी को बहुत बड़ा सत्यवादी कहना, अरे भाई ये तो हरिश्चंद्र हैं, तुरंत आपने हरिश्चंद्र उसको कहकर, जबकि वो तो हरिश्चंद्र नहीं है, तो लाला रामलाल है, लेकिन आपने हरिश्चंद्र की सत्यवादिता से उस व्यक्ति को जोड़ दिया, शास्त्र ज्ञान है। लेकिन अंग्रेज से कहिए ही इज हरिश्चंद्र, व्हाट इज हरिश्चंद्र,
मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं पहली बार हॉलैंड जा रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, पहली बार गए थे यहां से, बेटे ने वो अमेरिका में, उसने कहा था पापा अपना मम्मी का पासपोर्ट बहुत संभाल के रखना, उसमें वीजा होता है, अगर वहां लुटेरे बहुत होते हैं ले लिया तो फंस जाओगे। अब हमने वो क्या किया साहब, एक उसमें रख के जब वहां से उतरे भी तो हमें हॉलैंड से दूसरा जहाज लेना था अमेरिका के लिए, हम उसे हाथ में लिए हुए अपने बोर्डिंग पास भी और सब कुछ चले आ रहे। पहली बार हमने नहीं देखा था ये एस्केलेटर क्या होता है, हमने देखा लोग इस पे जा रहे, खड़े हुए हैं और चलते जा रहे। हमने पत्नी से कहा चलो हम भी इस पे चले। अब पहली बार हम खड़े हुए और उस पे हाथ अगर रख दे तो वो भी चलती रहती है उसकी। मैंने हाथ रखा और पीछे जो मुड़ के देखा कि वो भी आ रही नहीं आ रही, मेरे हाथ से मैं गिरा पहले और मेरे हाथ से वो सारी चीज नीचे गिर गई और मेरा जो बोर्डिंग पास था वो उसके अंदर गया और साफ। क्या करूं, 45 मिनट मेरे पास, पत्नी का बोर्डिंग पास मेरे पास है और मेरा बोर्डिंग पास अंदर चला गया। जहां उन्होंने हमें कहा था कि उस गेट पर खड़े हो जाइएगा, देखा वहां कोई नहीं। अब मैं क्या करूं, मैंने हॉलैंड वाली केएलएम की वो फ्लाइट थी, केएलएम के डेस्क पे पहुंचा, जैसे पहुंचा लंबी लाइन लग रही थी, मैं जैसे आगे गया तो वो महिला थी, कम इन क्यू कम इन क्यू, उसने बात ही नहीं सुनी, क्यू में आओ, वहां तो क्यू में आना जरूरी है। मैंने कहा आई हैव गॉट सम इमरजेंसी विद मी, तो बोले व्हाट इज इमरजेंसी, आई हैव लॉस्ट माय बोर्डिंग पास, वेयर हैव यू लॉस्ट। अब मुझे उस मशीन का नाम पता नहीं था, आई फेल डाउन ऑन दैट मशीन, व्हाट मशीन, क्या मशीन बताऊं। तो बोली ओके ओके यू गो टू अवर फ्लाइट मैनेजर। मैंने कहा वेयर ही और शी, कहाँ है, तो उसने किसी को मेरे साथ भेज दिया, हम फ्लाइट मैनेजर के पास पहुंच गए। उसने भी वही सवाल पूछा, हाउ डिड यू लॉस योर बोर्डिंग टिकट। मैंने कहा आई फेल डाउन ऑन दैट मशीन, वो सामने ही थी, मुझे तब भी पता नहीं था यह एस्केलेटर है। तो उसने कहा हाउ डिड यू फॉल, मैंने कहा शुड आई रिपीट द एक्सीडेंट, दोबारा से पढ़ूं फिर गिरू जाके। तो फिर मैंने बताया वेयर वेयर फ्रॉम आर यू कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, ओके ओके। तो उसने कहा यू मीट अवर सिक्योरिटी ऑफिसर, उससे मैंने कहा वेयर ही और शी, उसने मुझे एक पर्ची दी, अपने कहा वेयर सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आ गए। यहीं से मुझे एक संस्कृति की चीज मिलती है, देखिए मैं सिक्योरिटी ऑफिसर से मिला, पहले उसने वेयर फ्रॉम यू आर कमिंग, कमिंग फ्रॉम इंडिया, हु पैक्ड योर लगेज, माई सेल्फ, आई 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 माई सेल्फ पैक्ड माई लगेज, हु इज शी, शी इज माई वाइफ, ओके ओके ओके, वट आर यू, वट आर यू, मैं कहा वट आर यू, मैंने कहा आई एम प्रिंसिपल, वट प्रिंसिपल, मैंने कहा आई एम प्रिंसिपल, आई एम आस्किंग वट प्रिंसिपल। मैं तीन दो दफे उसने चिल्ला चला कि मुझे वट प्रिंसिपल, मैंने कहा आई एम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ओ आर यू ए टीचर, मैंने कहा यस आई एम ए टीचर, ओके ओके ओके, डोंट वरी वी ऑनर ए टीचर मोस्ट, यू विल गेट योर बोर्डिंग टिकट। उस दिन मैंने समझा मेरे मित्रों कि हम लोग इतने पागल हो गए कि हमने विशेषण को तो बना दिया, अपने सिर पर ला दिया प्रिंसिपल, और टीचर को भूल गए जो संज्ञा थी मेरी। अरे मुख्य अध्यापक ही तो था वो प्रिंसिपल टीचर, प्रिंसिपल बिना टीचर बने तो प्रिंसिपल बन ही नहीं सकता था। तो मैंने उस दिन देखा कि और उसका वो सेंटेंस मुझे भीतर तक, वी ऑनर ए टीचर मोस्ट, हम शिक्षक का सम्मान करते हैं, वो संस्कृति थी वहां। मेरे यहां पूछ लीजिए, टीचर को चीटर कह देते हैं, टीचर को कह देते हैं क्या टीचर है, फे और जोड़ देते हैं उसके सामने। तो वो जीवन में मेरे आया और मैंने आके जब मैं एक जगह मुझे भाषण देना पड़ा वहां, मैंने कहा, मैंने कहा भाई मेरे देश की विडंबना ये है कि मैं संज्ञाएं हम भूल गए, हम विशेष विशेषण लिए घूम रहे हैं, विशेषणों के साथ हम चलते हैं, है ना। अरे मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सोचता मैं स्टेट मिनिस्टर का बाप हूं, और बेचारा अगर डिप्टी मिनिस्टर बन गया बोले मैं तो हूं ही कहीं नहीं, ये तो वैसे भर्ती का कर रखा मुझे। अरे भाई मिनिस्टर तो तीनों हो यार। आज मैंने किसी से पूछा भाई आप कहाँ हैं, सर मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा भाई अच्छा कहाँ प्रोफेसर है, सर अभी मैं कॉलेज में 1 ही साल हुआ है। तो मैंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं कहता भाई, सर कोई भी नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता। यानी आज तीन जो कदम बन गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर, वो असिस्टेंट और एसोसिएट तो गायब हो गए, सिर्फ प्रोफेसर बच गए। और मेरी विडंबना ये थी जब मैं लेक्चरर बना तो जो लोग पीएचडी नहीं होते थे वो अपने आप के लिखते थे प्रो प्रोफेसर योगेंद्रनाथ शर्मा। अब मैं आया अपने घर, मैंने देखा कि जिसके यहाँ नाई के यहाँ बाल कटवाने गया उसने भी लिख रखा प्रो राम रखा,
मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, मैंने कहा भाई जी मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए प्रो लिखता हूँ, ये बोले ये प्रोपराइटर है। अरे भाई ये नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? तो ना ही प्रोपराइटर है, मैं प्रोफेसर हूँ, अपने को बड़ा समझ रहा हूँ। तो आप सोचिए यहीं से मेरा साहित्य उस संस्कृति की तरफ आप, लेकिन मैं बात कर रहा था अभी काव्य के हेतु। तो शास्त्र ज्ञान मिला मुझे, शास्त्र ज्ञान समाज ने दिया, और तीसरी चीज क्या है? अभ्यास। वो आपकी है, वो व्यक्ति की है, वो आपकी, आप जितना अभ्यास करें, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कहा ना कि आप अगर एक रस्सी को बार बार सिल पर खींचते जाएंगे उस पर भी निशान हो जाएगा, पत्थर भी उस कच्ची रस्सी से घिस जाएगा। ये अभ्यास है। जिस दिन ये तीनों चीजें मिल गई आप कवि हो जाएंगे, आप लेखक हो जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने कविता शुरू की थी लेकिन श्रीमान जी के पास अभ्यास या प्रतिभा वो नहीं थी। मेरे यहाँ प्रतिभाएं भी दो तरह की होती हैं, एक कार्यत्री प्रतिभा, एक भावयत्री प्रतिभा। जब तक भावयत्री प्रतिभा आपके पास नहीं है आप भावन नहीं कर सकेंगे, मतलब भावन करेंगे सिर्फ आलोचक बन सकेंगे। और कार्यत्री प्रतिभा अगर है तभी आप कवि बन पाएंगे। प्रतिभा, कवि की प्रतिभा ही कुछ अलग होती है। और वहां मैं आपको अंग्रेजी के एक साहित्याचार्य की बात कर रहा हूं, देखिए बेनेडिक्ट क्रोचे, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद बड़ा मशहूर है। वो क्या कहता है, मैंने तो उसे व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया। क्रोचे चार चीजें मानता है साहित्य के लिए। पहली चीज कहता है स्वयं प्रज्ञ ज्ञान या सहज ज्ञान, जो ज्ञान स्वतः आए, कौंद की तरह आ जाए आप में। आप बैठे हैं अचानक, आखिर क्या हुआ था वाल्मीकि को? वाल्मीकि ने एक जोड़े में से एक नर और एक मादा, वो नर को मार दिया था व्याध ने, और वो चिल्ला रही थी क्रौंची, और वो जो डाकू रहा हो, अब तो डाकू कहना बड़ा खतरे की बात हो गई, एकदम खड़े हो जाते हैं जी, वाल्मीकि को डाकू कह दिया इन्होंने। अबे भाई हमने तो यही पढ़ा कि वो डाकू थे फिर बने हैं, मरा मरा कहते थे राम राम हो गया। ये भी देखिए भाषा विज्ञान है, आप मरा मरा 10 दफे कह दीजिए राम राम निकलने लगेगा, तय है, पक्का है। राधा राधा कहिए धारा धारा हो जाएगा सीधे, ये भाषा विज्ञान कह रहा है। चूंकि आपने जहां एक अक्षर को छोड़ा है दूसरा एकदम उसके पीछे आ गया है, मरा 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 राम 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 होता चला जाएगा। तो वाल्मीकि को उसके भीतर करुणा थी। मैं जब भाषा ये साहित्य शास्त्र पढ़ाया करता था, बच्चे अक्सर इसी में आके अटका करते थे, जरा रस निष्पत्ति और ये रस क्या है सब समझ में नहीं आता, ये क्या साधारणीकरण है। तो सीधी सीधी बात है भाई, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल है, हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, हर एक की अपनी अस्मिता है। जिस दिन आप साहित्य में जाकर अपनी वो विशेषज्ञता भूल जाएं, जिस दिन अपने विशेषत्व को भूल जाएं और साधारण हो जाएं, बस उसी दिन आप साधारणीकरण हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा। जब 62 के चीन आक्रमण के बाद पहली बार दिल्ली के मावलंकर हॉल में लता जी ने गीत गाया था, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, अखबार में अगले दिन आया था नेहरू जी रो पड़े। क्यों रो पड़े नेहरू जी? अरे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे लेकिन उनके भीतर एक दिल भी था। उन्हें पता था कि मेरे देश के कितने जवान बिना साधनों के कुर्बान हो गए हैं वहां हिमालय पर, इसलिए रो पड़े थे। विशेष से साधारण बन गए थे, प्रधानमंत्री से सिर्फ आदमी बन गए थे, भारतीय बन गए थे, इसलिए रो पड़े थे। लेकिन आज चूंकि आप हजारों बार उस गीत को सुन चुके, वो चीज चली गई, वो दब गई राख के नीचे। अब आप देखिए क्या कहते हैं रस को, आप सब में 9 स्थाई भाव हैं, प्रत्येक व्यक्ति में हैं, लेकिन सब राख की तरह, जैसे आग को आप दबा के रख देते हैं वैसे ही वो दबे हुए हैं। अभी जरा कोई कहते सांप, आप उठ के भाग लेंगे, डरेंगे। अभी सुई चुभो दे कोई, चाहे अमीर को चुभोए चाहे गरीब को चाहे पैसे वाले को, दर्द सबको बराबर होगा सुई चुभने से। हो सकता है कोई ज्यादा तगड़ा हो तो ना बताए, लेकिन दर्द उसको भी होगा। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा ये मेहतर बेचारा इतने इतने मेले में खड़ा होकर और उसको फावड़े से निकाल निकाल कर डालता है गाड़ी में और वो मेला ले जाती, इसको बदबू नहीं आती? आती है, इसीलिए वो शराब पीता है बेचारा, अपनी चेतना को दबाने के लिए। इसीलिए वो कहता है कि मुझे ये डॉक्टर अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकता, इसलिए कि जब वो बेटे का ऑपरेशन करता है
उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बेटा मर जाएगा। उसके भीतर वो पिता का जो प्यार है वो बैठा हुआ है, उसकी अनुभूति बैठी हुई है। तो हर व्यक्ति के पास अनुभूति है मेरे मित्रों। अब उस अनुभूति को जितनी प्यार से, जितनी सहजता से कोई अभिव्यक्त कर देता है, वो कवि बन जाता है, कहानीकार बन जाता है। मैंने एक दिन पूछा निशंक जी से, मैंने कहा निशंक जी इतनी कहानियां, बोले गुरु जी जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मेरे सामने पहाड़ के इतने किस्से आते थे कि एक महिला गर्भवती बिल्कुल प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और वहां अस्पताल है ही नहीं, लोग उसे खाट पर डालकर चार चार आदमी, दो आगे दो पीछे, उसे बेचारी को किस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। 11 किलोमीटर चलने के बाद कहीं एक छोटी सी डिस्पेंसरी मिलेगी, वहां भी कौन है, कंपाउंडर है बस, डॉक्टर तो है ही नहीं, भगवान के नाम पे उसको वहां छोड़ देते हैं। ठीक है प्रसव हो गया तो बहुत अच्छा है, बीच में मर गई तो मर गई। बोले मैं जब ये सुना करता था गुरुजी, वहीं से मुझे पात्र मिल जाया करते थे, वहीं से मुझे कथानक मिल जाया करते थे। माने समाज लिखने वाले को पात्र भी दे देता है, कथानक भी दे देता है, भाषा भी दे देता है, सब चीजें साहित्य को समाज से ही मिलती हैं। अगर देवासुर संग्राम ना हुआ होता, अगर प्रलय ना हुई होती, मनु ना बचे होते, हिमगिरी के शिखर के नीचे एक व्यक्ति अगर भीगे नयनों से प्रलय प्रवाह ना देख रहा होता तो कामायनी तो बनती ही नहीं। कैसे बन जाती कामायनी, कभी ना बनती। कामायनी तभी बनी जब पहले प्रलय हुआ, और प्रलय होने के बाद मनु बच गया, श्रद्धा बच गई। वहीं से मैं एक चीज लिया करता हूं जो संस्कृति की तरफ ले जाती है। मनु ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद मनु ने सोचा कि जैसे मैं बच गया हूं प्रलय में, शायद कोई और भी बच गया हो, इसके लिए हविष्यान्न रख दूं, जो हविष मैंने बचा था जो प्रसाद, वो प्रसाद मैं उसके लिए रख दूं, शायद भूला भटका इधर आए और उसको ये मिल जाए और वो जी जाए। ये क्या था, यही था मनु के हृदय में वो बीज जो ये कह रहा था कि हम मूल रूप से कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। जीवन मूल्य जब भी पैदा होंगे पहली बार वे पॉजिटिव होंगे, तब जाकर निगेटिव बनेंगे। शुद्ध रक्त होगा तभी अशुद्ध बनेगा। हम क्या हैं सारे मित्रों, हम लोग क्या हैं, कृति, कृति है ना हम सब, ईश्वर की बनाई हुई कृति। जिस दिन हमारा संस्कार हो जाता है हम संस्कृति हो जाते हैं, जिस दिन हमारा विकार आ जाते हैं विकृति हो जाते हैं, तो खत्म, निगेटिव हो जाते हैं। संस्कृति तो हमसे ही बन रही है। मैं तो कभी कभी कहा करता था संस्कृत वालों से, वो कहा करते थे हम बहुत ऊंचे हैं, मैंने कहा नहीं आप कतई ऊंचे नहीं हैं, पहले प्राकृत थी। प्राकृत का मतलब क्या है, प्राक जमा कृत, जो पहले से की हुई थी। जनभाषा पहले बनती है उसके बाद संस्कार हुआ करता है। पहले आदमी के बाल आते हैं, जब बढ़ जाते हैं तब कटते हैं। हमारे हरियाणा के कवि हैं, वो कहते हैं भाई नाई के यहाँ गए और नाई ने पूछा क्या बाल छोटे कर दूं क्या, कहले तू बड़े भी कर सके, अब बताइए मैं छोटे ही करूं। अब आप देखिए कहां से हास्य पैदा हो गया, जरा सी बात से, कहले जी बाल छोटे कर दूं, कहले बड़े कर सके, नहीं तो खत्म हो गई बात। तो वही है, आप जिस दिन अपने आप को, अब वहीं से भारत की बात शुरू होती है। मेरे यहाँ जो संस्कार हैं, आज किसी मित्र ने बहुत छोटा सा संदेश भेजा था, अहंकार सब पर राज्य करना चाहता है, संस्कार सबको प्यार करना चाहते हैं। देखिए माने अहंकार अगर आ गया तो मैं सबसे बड़ा हूं। मेरे पिता कहा करते थे भगवान ने सबको एक चीज खूब बांटी है, बराबर बांटी। मैंने कहा क्या पिताजी, बोले बेटे अपने को सबसे बड़ा मानिए। माने अहंकार, अहंकार सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें अहंकार ना हो। लेकिन अब मेरे नरेंद्र मोदी जब बिहार में बोल रहे थे, क्यों उन्होंने कहा कि माँ चिंता मत कर तेरा बेटा दिल्ली में बैठा है, एक शब्द ने स्थिति बदल दी, महिलाएं सारी वहां आ गई। किसी को माँ कह देना, आप देखिए मैं आपको कहां संस्कृति की तरफ ले जाता हूं। एक जैन मुनि है, मैंने चूंकि जैन साहित्य पर, जैन रामकथा पर काम किया, मुनि गुप्ति सागर, बहुत लिखते हैं। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, रुड़की से मैं दिल्ली गया तो कुछ लोग उनके सामने, लाला लोग खूब पैसे वाले हैं, भगवान महावीर ने अपरिग्रह कहा था, कोई जैनी अपरिग्रह नहीं करता, खूब इकट्ठा करता है,
हर लाला के पास पैसा है, हर जैनी के पास पैसा है। खैर वो सारे लाला बैठे थे, मुनि जी ने कहा कि भाई देखो अरुण जी आए हैं, मुझे बात करनी है आपसे, शाम को मिलेंगे। अब धीरे धीरे सब पैर घसीटते हुए से चल दिए। देखा जी चार पांच तब भी बैठे रहे। उन्होंने कहा भाई मैंने आपसे कहा आपसे शाम को बात करूंगा, अभी मैंने किन्हीं को बुलाया है, इनसे बात करनी है। तब भी वो दो भी उठ गए, लेकिन एक लाला आखिर तक बैठे रहे। बोले महाराज जी मुझे तो अपने सवाल का जवाब चाहिए, आज ही चाहिए। मैंने भी कहा, मैंने कहा महाराज जब पूछ रहा है तो बता दीजिए, मैं बैठ सकता हूँ 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन बड़े झुंझला के बोले बताओ लाला क्या चाहते हो। लाला जी का समस्या क्या थी? बोले महाराज पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ है घर में, लेकिन मेरा लड़का मुझसे लड़ता है। देखिए सवाल था, मेरा लड़का मुझसे लड़ता है। उन्होंने झुंझला के कहा जब तक लड़के को लड़का कहेगा ना वो लड़ेगा, क्योंकि लड़के में तो है ही लड़। कभी उसे बेटा कहा? उसे बेटा कह के देख, जिस दिन उसको बेटा कहेगा लड़ना बंद कर देगा। वहां से मुझे वो सूत्र मिला कि शब्द ब्रह्म है। मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे सबज कुमार एजुकेशन के प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं बेटा कहता हूं, मैं बेटा कहता हूं, कुछ भी कहता हूं, वो तैयार है मेरे लिए हर वक्त। और मैं कहने लगा ए यहाँ लेक्चरर ही है ना अभी, मैं तो प्रोफेसर रहा हूं, तेरा बाप हूं। होगा बहुत होंगे, बहुत बहुत बाप घूमते सड़क पे, एक मतलब थोड़ी ऐसे। लेकिन बेटा कहिए आप, शब्द की अपनी आत्मा होती है, शब्द का अपना एक गुण होता है, वो जाकर आपकी आत्मा को छूता है। बस साहित्य को मैं वही मानता हूं, वो साहित्य जो आपके अंतर्मन को छू ले। क्या कहते हैं बेनेडिक्टो क्रोचे? क्रोचे कहते हैं कि हरेक के पास ईश्वर ने एक चीज दी है, और वो क्या है? स्वयं प्रज्ञ ज्ञान, उसे वो कहते हैं इंट्यूशन। पशुओं में भी इंट्यूशन होती है, हम में भी इंट्यूशन होती है, लेकिन हम अपनी इंट्यूशन के बजाय इंटेलेक्ट को आगे ले आते हैं, बुद्धि को ले आते हैं, संबुद्धि को पीछे छोड़ देते हैं। वो बुद्धि क्या है मित्रों? सांप की जीभ, दो तरफ चलती है, हमेशा संकल्प विकल्प, हमेशा अच्छा बुरा, हमेशा पॉजिटिव निगेटिव, ये चलती है। आप कितने अच्छे की तरफ चलें, अरे यार वो भी तो बदमाशी कर रहा। एक दिन मास्टर जी ने पढ़ाया था, कहने भाई देखो तुम जा रहे हो चार पांच बच्चे, और रास्ते में एक रुपया पड़ा, क्या करोगे? अगले वाले ने जी करूंगा क्या, उठा लूंगा। कहने क्यों तेरा है वो? कहने जी मेरा तो नहीं, लेकिन पड़ा है ना, मुझे क्या पता किसका है, क्यों पड़ा, क्यों उठा लेगा भाई? तो तेरा जब नहीं है तो क्यों उठा लेगा? उसका जवाब इतना बढ़िया था कि गुरुजी मैं नहीं उठाऊंगा तो मेरे पीछे वाला उठा लेगा, उठेगा तो है ही वो रुपया, वहां पड़ा नहीं रहेगा। अब आप सोचिए वहां क्या बात निकल रही। तात्पर्य वो जो आपने कहानी सुन रखी है कि एक किसी साधु ने आकर कहा कि भाई जो सूखा कुआं है, अगर सब लोग अपने घर से एक एक गिलास दूध उसमें आज रात को डाल आए अमावस की रात, कल आप देखेंगे चला जाएगा आपका अकाल। सबने सुबह जाके जब देखा तो दूध उस कुएं में था ही नहीं। क्यों? एक ने सोचा पर पड़ोसी तो दूध डालेगा ही, मैं अगर पानी डाली आऊं तो क्या दिक्कत है। जो एक ने सोचा वो सारों ने ही सोच लिया। अगर कहीं एक व्यक्ति ये सोच लेता कि हो सकता है पड़ोस वाले के घर में आज दूध ना हो, वो बेचारा नहीं डाल सकेगा, मैं दो डालिया हूं मेरे यहां है, तो उस कुएं में दूध होता। लेकिन चूंकि सबने निगेटिव सोच लिया इसलिए वहां दूध की जगह जल था। यही है समाज का वो आधार कि साहित्य आपको पॉजिटिव सोचने की तरफ ले जाता है। साहित्य आपको पॉजिटिव इसलिए लेके जाता है कि साहित्यकार कितने ही अभाव में क्यों ना जिए, अभाव में उसे भाव मिल जाते हैं। आज मैं आपसे कहूं, आज का आपका शिक्षा मंत्री अपने घर से नंगे पांव 15 किलोमीटर 8वीं में पढ़ने जाया करता था, 8वीं अगर पढ़ता था तो, और उसमें चप्पल नहीं होती थी। डॉक्टर निशंक के पूज्य पिता ब्राह्मण होते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी में माली थे, माली का बेटा, और इस तरह से परिश्रम करता है, हिमालय को देखकर कविता लिख लेता है। मैं उनकी एक कविता आपको सुनाऊंगा अंत में, वो करते हैं। तो कहां से आया? ईश्वर ने प्रतिभा दे दी थी, शास्त्र ज्ञान उन्होंने अपने आप से लिया था,
और अभ्यास वो स्वयं करते थे। कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, पत्रकार हो गए, साहित्य वेत्ता के साथ साथ संस्कृति वेत्ता हो गए। हमारे यहाँ गढ़वाल में पार्वती को नंदा देवी, नंदा कहा जाता है, नंदा राजजात, वो पुत्री है मैना की, 12 वर्ष में उनकी डोली जाती है। वो नंदा राजजात पर वो ग्रंथ लिखा है जिसको मॉरिशस में जाकर इसरे से पूजा गया कि पूछिए नहीं। तो ये कहाँ से हुआ? निशंक के बड़े भाई भी तो हैं, वो तो कवि नहीं बन सके। निशंक जी की 2 बहनें भी हैं, वे तो कवित्री नहीं बन सकी। निशंक क्यों बन गए? निशंक के भीतर प्रतिभा ईश्वर ने दी थी, अभ्यास उन्होंने किया, उनके भीतर एक कौंध थी, वो कौंध हो गई। तो मैं तो प्रायः कहा करता हूं कि कवि ऐसे ही नहीं बन जाता, कहीं ना कहीं वो तपता है, वो भी धरती से और की तरह पैदा होता है, और जिस दिन वो तप लेता है तो कुंदन बनता है। मैं आज जीवन का गीत आपको सुनाऊंगा, वहीं से ये चीज आप बात करेंगे, जिंदगी है क्या? जिंदगी सबकी बराबर है, और जिंदगी सब उसी सांस सारे लेते हैं, कोई ऐसा नहीं बिना सांस के जी रहा हो, सबको सांस लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब तो यही देखेंगे, जरा इनका ब्लड प्रेशर देख लूं कितना है। अब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरे सिर चकराने लगा, परेशान हो गया, आदमी वही हूं लेकिन परेशानी हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसने मुझे बेचैन कर दिया, मैं परेशान हो गया। अब डॉक्टर कहता है मुझे कि आप कुछ दिन सोचना बंद कर दीजिए। अरे कहां से सोचना बंद कर दूं भाई, जिस दिन ये सोच रहा हूंगा मैं, इस समय कुछ नहीं सोच रहा, उस समय भी ये सोच रहा हूंगा, इस समय मैं कुछ नहीं सोच रहा, ये तो खाली रह ही नहीं सकता। आपको मेरे मित्रों 2 ही चीजें मिली हैं, और उन 2 चीजों में से अगर आपको साहित्य की तरफ जाना है, अगर आपको साहित्यकार बनना है, तो इस 2.5 इंच की थैली को संभालना पड़ेगा। बस ये 2.5 इंच की थैली जब तक आपकी सुरक्षित है ना, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितने भी आप विद्वान क्यों ना हो जाएं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस तरह के विद्वान थे, ये था। इसीलिए उस व्यक्ति ने अपना कोई खाता नहीं खोला, पेंशन भी बच्चों को दे दिया करते थे, अपने पास तो कुछ रखते नहीं थे, अटैची लेके आए थे राष्ट्रपति भवन में, अटैची लेकर चले गए। और एक ऐसे भी राष्ट्रपति थे जो अपने मिले हुए सारे के सारे जो उपहार थे वो भी अपने साथ गाड़ी में भर के ले गए, दोनों ही तो थे ना। तो कलाम साहब में क्या था, ये 2.5 इंच की थैली, और जिस दिन वक्तव्य देते देते, व्याख्यान देते हुए ये बंद हुई, गिर पड़े, चले गए, ये तो तब भी चल रहा था। आपका दिमाग चलता रहे मेरे मित्रों, और ये बंद हो जाए तो आप जिएंगे नहीं, लेकिन अगर ये जी रहा है और ये मर गया, पागल भी हो गए, तब भी माँ को देखकर माँ कहेंगे, पिता को देखकर पिता कहेंगे, भूख तब भी लगेगी, दर्द तब भी होगा। तात्पर्य मैं तो अगर कहीं है तो इस 2.5 इंच की थैली का है, भावना का है। भावना अगर है तभी तभी मैं कहा करता हूं, तो ले तो सकते हैं सभी, तुम देना सीखो, ले तो सकते हैं सभी, तुम देना सीखो, करा सकते हैं सभी, तुम सहना सीखो, और बेबस नैनों में छलकते हो जब आंसू, हंस तो सकते हैं सभी, तुम रोना सीखो। हम रोना नहीं सीख पाते, हमारी संवेदनाएं मरने लगी हैं आज, और इसीलिए जब संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति मेरे मित्रों मेरी समझ से तो केवल बाह्य सभ्यता है और आंतरिक संस्कृति है। आप भीतर से क्या हैं वो आपकी संस्कृति है, आपके संस्कार, और आप बाहर से क्या। अक्सर लोग कहते हैं जब आप पहली बार किसी से मिलने जाते हैं तो आपकी ड्रेस का प्रभाव पड़ता है, और जब आप वहां से लौटते हैं आपके एड्रेस का प्रभाव पड़ता है, वाणी का प्रभाव पड़ता है। विवेकानंद में क्या था भाई, धर्म संघ में गए थे शिकागो, हर देश से व्यक्ति आए हुए थे, सब तो कह रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, और केवल उसी व्यक्ति ने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। वही जो मैंने कहा था कि लड़का कहेगा तो लड़ेगा, बेटा कह के देख, कौन आया है 7 समुंदर पार से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाई और बहनों, तुरंत एक तादाद बन गया, तुरंत एक संबंध बन गया अमेरिका के। हर व्यक्ति ने सोचा बहन, हर एक ने सोचा भाई। एक तो इतना प्रसंग विवेकानंद के जीवन में, उनकी भावना में, उनकी जीवनी में आता है कि अमेरिका की महिलाओं ने, दूर बैठे जो मिलता है वही, कि स्वामी जी गोपियां कृष्ण के पीछे क्यों भागा करती थी, वो तो वही जानती थी कि जो पढ़ाया जाता वहां, जैसे वहां, उनका कल जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा। अब कल आया, सारी वो महिलाएं विवेकानंद जी के सामने आकर खड़ी हो गईं,
विवेकानंद जी ने कुछ नहीं बोला, दूसरे कमरे में चले गए, वो सारी की सारी उनके पीछे वहां गई, वो वहां से फिर तीसरे कमरे में चले गए, और जब तीसरे में गए वे भी सब गई, तो उन्होंने व्हाई आर यू फॉलोइंग मी, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, आपने कुछ कहा था कि कल बताऊंगा। बोले गोपियां भी इसीलिए जाती थी, कुछ जानना चाहती थी, उन्हें भी जिज्ञासा थी, कृष्ण से कुछ जानना चाहती थी, इसलिए कृष्ण के पीछे जाती थी, ऐसे नहीं भागती थी जैसे आप मेरे पीछे भाग रही। प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो आप किस तरह देख रहे हैं, तो मेरी संस्कृति क्या है, 16 संस्कारों से बंधी हुई। आज भी पिता ये चाहता है कि मुझे जब मेरी मृत्यु हो, मुझे मेरी कपाल क्रिया करने के लिए बेटा हो। बेटी को क्यों नहीं मानते थे साहब? मनुस्मृति कहती है बेटी के जन्म होते ही तो पिता को एक ही चिंता होती थी, इसको मुझे दूसरे को देना है। ये समाज की परंपरा थी, ये मेरी संस्कृति थी कि बेटी मेरी नहीं है, पैदा मेरे यहाँ हुई है, लेकिन इसे दूसरे के घर जाकर समाज का भी तो ऋण होता है ना भाई, मेरे ऊपर भी समाज का ऋण है, मेरे ऊपर माँ का ऋण है, मेरे ऊपर पिता का ऋण है, मेरे ऊपर आचार्य का ऋण है। तो समाज का ऋण कब चुकता है, जब मैं अपने फिर मैंने एकदम अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी एक कहावत है कि एक बाप तो 12 बेटों को पाल लेता है, 12 बेटे एक बाप को नहीं पाल पाते, क्यों? बोले भाई उनके जो 12-12 हो जाते हैं इसलिए नहीं पाल पाते। मैंने जवाब देके कितना बढ़िया था, बोले भाई बाप का धर्म है बेटे को पालना, चूंकि उसे आगे देनी है परंपरा, और अगले जब उसके पुत्र जब योग्य हो जाएंगे, पिता के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और हमेशा ये कहा करते थे इस संसार में केवल दो ही प्राणी ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं जो अपने से बड़ा किसी को देखकर प्रसन्न होते हैं, वरना कोई अपने से बड़ा किसी को देखना नहीं चाहता। मैंने कहा पिताजी कौन? बोले एक बाप और एक गुरु। बाप चाहता मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा बने तभी मेरा नाम होगा, और गुरु चाहता मेरा शिष्य मुझसे भी बड़ा बने तभी तो लोग कहेंगे उनके शिष्य हैं, मेरा नाम होगा। तो ये जो ये हम पे समाज का ऋण है, ये मेरी संस्कृति है। और मैं जब कहा करता हूं कि मेरा बाह्य मेरी सभ्यता है, मेरा भीतर मेरी संस्कृति है, मैं एक छोटी सी घटना से आपको समझा देता हूं। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, एक किसान का गधा कमजोर हो गया, घास नहीं मिलता था, उसने उसकी ड्रेस बदल दी, उसे शेर की खाल उड़ा दी। अब शेर की खाल उड़ गई, था तो गधा ही, लेकिन जब जाने लगा तो लोगों ने कहा अरे भाई शेर आने लगा है, तो सारे भाग गए और गधे जी खूब चढ़ने लगे। अब जब मोटा हो गया तो एक दिन उसके भाइयों ने कहीं से आवाज दी ढेंचू ढेंचू जैसे कहा, तो उसे याद आ गई अपनी संस्कृति, उसने भी वहीं से ढेंचू ढेंचू में जवाब दिया। किसानों ने समझ लिया अरे ये तो वैसे उड़े बैठा था शेर की खाल, है तो गधा, मार दिया पीट पीट के। यही होता है, आप जब तक बाहर अपनी संस्कृति को समझेंगे तब तक वो संस्कृति नहीं है, वो आपकी बनावट है। कितना भी बढ़िया पत्र लिख लीजिए और लिफाफे पर एड्रेस मत लिखिए, जाएगा ही नहीं। पत्र बहुत बढ़िया है, सुगंधित कर रखा है, लेकिन जब नाम ही नहीं लिखा, जब एड्रेस ही नहीं लिखा, और आपका पत्र है और आपने मुड़े तुड़े कागज पर ले ही लगा के उल्टा सीधा एक लिफाफा बनाया, पता पूरा लिख दिया, वो पहुंचेगा, डाकिया पहुंचा के आएगा वहां से। तात्पर्य क्या हुआ, महत्व काहे का हुआ? लिफाफे का नहीं, एड्रेस का। बिल्कुल भाई, हम लिफाफे हैं सारे, हमारा एड्रेस क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम बोलते क्या हैं, मुझमें नकारात्मकता कितनी है। माने मैं अगर मैं हमेशा ये कहता हूं, आज मैं कुछ ऐसे अपनी बात बता देता हूं, मैं 4 साल पहले बीमार हुआ, भयंकर बीमार हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती था। निशंक जी 3 बार देखने आए, जिस दिन मुझे छुट्टी मिलनी थी उस दिन वे भी आए, उनके पीआरओ भी आए। तो मैं जब जाने लगा तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा निशंक जी ऐसा कीजिए, मैं जब आया था तो ना तो मैं उस समय बटवा लाया था ना चेक बुक लाया था, इनको इतना कह दीजिए अस्पताल वालों को, कल घर जाने के बाद ये कैश कहेंगे तो कैश पहुँचवा दूंगा, चेक कहेंगे तो चेक पहुँचवा दूंगा। तो मुझसे बोले आपसे किसी ने मांगा है क्या बिल? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं मांगा गुरुजी, आपका वो सब पेमेंट हो गया। जैसे उन्होंने कहा आपका सब पेमेंट हो गया, आप यकीन मानिए मैंने उनके हाथ पकड़े, मैंने कहा निशंक जी आपने तो मुझे ऋणी कर दिया, मैं बड़ा भावुक हो गया था एकदम, मैंने कहा ऋणी कर दिया आपने मुझे। उनके जो शब्द थे आज मैं कहता हूँ वो संस्कृति है, और तब भी वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। मैंने कहा नहीं गुरु जी, ऋणी तो हम आपके हैं, हम आपके ऋणी हैं,
बोले गुरुजी आज एक अगर निशंक हो जाए, माने एक दस एक एक गुरुजी हो तो 10 निशंक पैदा हो जाएंगे, लेकिन 10 निशंक एक गुरुजी पैदा नहीं कर पाएंगे। आपकी जो स्थिति है वो 10 निशंक भी पैदा नहीं करेंगे। इसलिए और मेरे वो 1,65,000 का बिल था, पेमेंट हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, कहाँ हो गया। ऐसा नहीं कि मैं दे नहीं सकता था, लेकिन वो श्रद्धा जिस रूप में आ रही थी, वो भावना जिस रूप में आ रही थी, वही चली आ रही थी। और उस नाते संस्कृति वही है मेरे मित्रों। बाकी तो आप संस्कृति की पूरी किताब लिखवा लीजिए, जितनी चाहे किताबें लिख लीजिए। साहित्य और संस्कृति जिस दिन समाज से कट जाएंगी, समाज अकेला एक रेखा रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर एक केवल साहित्य बना रहा, संस्कृति ना रही, तो केवल एक कोण बचा रहेगा, लेकिन जब उसके साथ संस्कृति भी जुड़ जाएगी, सम त्रिभाव त्रिभुज हो जाएगा और 180 डिग्री के 60 60 60 के तीन कोण बन जाएंगे। बिल्कुल यही इन तीनों का अंतर संबंध है। आप देख लीजिए, जिस देश का समाज प्रगति करता है उसका साहित्य प्रगति करता है, जिसका साहित्य प्रगति करता है उसकी संस्कृति का उन्नयन होता है, और जिस जिस देश में संस्कृति का ह्रास हुआ, समाज का ह्रास हुआ, समाज का ह्रास हुआ। आज हम सब बहिर्मुखी हो गए हैं। हमारे भीतर आज से 50 साल पहले देखिए, ये सब जेब में तो नहीं था, ये इसने झूठ बोलना सिखा दिया आपको, झूठ बोलने लगे, आपकी याददाश्त खाली, इसने आपको एक नंबर भी याद नहीं। मेरे एक और पृथ्वी सिंह विकसित हुआ करते थे, वो भी राज्य मंत्री थे, उसको 100 नंबर याद रहते थे। आज हमें अपना नंबर भी इसमें देख के बताना पड़ता है, हमें याद नहीं रहता। तात्पर्य हम लोग क्या करते हैं मित्रों, विज्ञान 10वीं में पढ़ा था, साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। हमने मास्टर को सर पर बिठा लिया है आज। बस यहीं से संस्कृति का ह्रास होता है, यहीं से साहित्य का ह्रास होता है। एक दार्शनिक है पश्चिम के, वो कहते हैं एज साइंस एडवांसेस पोएट्री डिक्लाइंस। जितना जितना विज्ञान की प्रगति होती है, कविता मरती चली जाती है। कविता मरने का मतलब हमारी संवेदनाएं मरती चली जाती हैं, हमारी भावुकता मरती चली जाती है। आप क्या देखते हैं, एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी तड़प रहा है, लोग उसका मोबाइल से फोटो तो बना रहे हैं, वीडियो तो बना रहे हैं, कोई उसे उठाकर रिक्शे में रख के अस्पताल, क्यों, कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा कौन लगता है, ये होगा जिसका हो गया, मर गया मर गया, ये करके। तो वो जो संवेदनाएं मर गई, लेकिन आपने ये भी देखा था 50 साल पहले अगर गांव में किसी एक व्यक्ति के बच्ची की शादी हो रही है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। मैं तो अपने जीवन की छोटी सी घटना हुई, मेरे मेहतर, उन्हें हम ताऊजी कहा करते थे, मेहतर को ताऊजी कहते थे, मेहतरानी को ताई कहते थे। मैं दिल्ली से अपने गाजियाबाद में था, गाजियाबाद से घर जा रहा था, रुड़की स्टेशन पर उतरा, मुझे मेरे मेहतर मिल गए। मैंने कहा ताऊजी आप कहाँ, बोले बेटे मैं बेटी के यहाँ जमुना नगर गया था, वहीं से लौट रहा हूँ। मेरी जेब में उस वक्त और कुछ नहीं था, 2 रुपए थे, मैंने 2 रुपए, मैंने कहा लो ताऊजी चाय पी लेना, इतना दे के बात खत्म हो गई। पिताजी मुझे अगले सप्ताह मिले, बोले भाई तने साधु को कुछ दिया था क्या, साधु राम उनका नाम था। मैंने कहा पिताजी वो मुझे बस स्टैंड पे मिल गए थे, मेरे पे और कुछ नहीं था, मैंने 2 रुपए दे दिए थे चाय के लिए। बोले भाई तेरे उन 2 रुपए ने हमारा भी नाम कर दिया कनखल में, तेरा नाम साधु राम कह रहा था। देखो जी मेरे तो बादशाह मिल गए थे मुझे, मेरे तो मालिक मिल गए थे मुझे रुड़की। अरे एकदम जेब से निकाल के दिया, लो ताऊ जी आप चाय पी लेना। ये है संस्कृति मेरे मित्रों। संस्कृति उसी भावना से जाकर जुड़ती है। संस्कृति कभी सभ्यता नहीं हो सकती। एक और आपको छोटा सा किस्सा सुना दूंगा। मैं पीलीभीत में आखिर में रहा हूं, बरेली से आगे, अपने रुड़की से बरेली जाया करता था दिसंबर की रात, और मैं बरेली उतर के 2:30 बजे मेरी ट्रेन बरेली पहुंचती थी। मैं उतरा वहां से, उतरने के बाद रिक्शे वाले से कहा भाई बरेली कॉलेज चलना है, वहां के प्रिंसिपल मेरे मित्र थे, मुझे फिर अगले दिन वो कार से पीलीभीत पहुंचाया करते थे। मैंने देखा वो बैठ गया, कितने रुपए देने हैं, 10 रुपए, 10 रुपए तय हुए, मैं बैठ गया। अब अकेला मैं, वो चला रहा है, बातचीत शुरू हुई। मैंने भाई कहाँ के रहने वाले हो, सर यहीं के हैं बरेली के ही। मैंने कहा कौन हो, गंगवार हैं साहब। मैंने कभी हरिद्वार गए हो, मुझे पता था कि मेरे पिताजी की जो यजमानी है वो बरेली शाहजहांपुर पीलीभीत यही है। बोले हाँ साहब गए तो हैं। मैं कब गए थे, सब बहुत साल हो गए। मैंने कहा अपने पंडा जी को मिले हो कभी, हाँ साहब पंडा जी के यहाँ मिले हैं, हरिद्वार भी गए हैं उनके घर में, कनखल भी गए हैं।
मैंने कैसे थे तुम्हारे पंडा जी साहब, बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, जब मेरे पिताजी का उसने पूरा जब हुलिया बता दिया तो मैंने उतरते कहा, मैंने कहा मैं तुम्हारे पंडा जी का बेटा हूं, आप यकीन मानिए उसने तुरंत मेरे चरण छुए और बोला मैं ये पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा नहीं पैसे तो मैं दूंगा तुझे, बैठ के आया हूं ये तो मुझे देने, आप यकीन कीजिए उसने तुरंत अपना एक तुड़ा मुड़ा दो का नोट निकाला कि ये तो आपको हमसे लेना ही पड़ेगा। घर बैठकर गंगा मिल गई है आज, घर बैठकर पंडा जी के दर्शन हो गए हैं आपके रूप में। मैं क्या कहूँ इसको, मैंने वो 2 रुपए लिए उसके, इसलिए लिए कि मेरे पिता के प्रति जो तीर्थ पुरोहित के प्रति उसके मन में श्रद्धा है सम्मान है, वो आज भी इस बरेली में, वो मुझे नहीं जानता मैं उसे नहीं जानता, वो मुझे दे रहा है। मित्रों ये संस्कृति है मेरी, संस्कृति वही है जो आपके संस्कारों से बनी है। माँ क्या है, मैं तो बायोलॉजी वाले कहते हैं ये 2 आंखें सबको मिली हैं, इन्हीं 2 आंखों से बेटी को भी देखते हैं, बहन को भी देखते हैं, पत्नी को भी देखते हैं, माँ को भी देखते हैं। क्यों साहब, कौन बदल जाता है मेरे मित्रों, दृष्टिकोण बदल जाता है। बेटी के प्रति बाप के मन की ममता आंखों में आ जाती है, पत्नी के प्रति पत्नी का प्रेम आ जाता है, माँ के प्रति श्रद्धा सामने आ जाती है। आंखें तो वही हैं, कहीं नहीं बदली, चश्मा भी वही है, फिर ये क्यों बदल गया? केवल आपकी संस्कृति आपका कोण बदल देती है, दृष्टिकोण बदल देती है, वो दृष्टिकोण वही आपकी संस्कृति है। वरना तो लोग माँ को भी छोड़ के चल देते हैं, माँ को भी आज तो पीटने लगे हैं, पिता को भी छोड़ जाएंगे। क्या हुआ पिताजी, मैं तो एमए में था, मेरे यहाँ गाजियाबाद से आया करते थे, पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट जी बोले एक दिन, कुछ ज्यादा मैंने कुछ ऐसा कह दिया, बोले गुरुजी आप में हमें फर्क यही तो है ना कि आपने एमए कर लिया और हम एमए कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा कल को पिताजी से जाकर यही कहना कि पिताजी आप में मुझ में यही फर्क है कि आपने बच्चे पैदा कर लिए और मैं कर रहा हूँ, मैं शर्म नहीं आती, अबे मैंने एमए करके तुझे पढ़ा रहा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरे सामने बैठ के पढ़ रहा, ये फर्क है। और उसके बाद उसने क्षमा मांगी मुझसे कि हाँ गुरु जी मैंने गलत कह दिया था। तो ये नहीं चलेगा, पद कब वो होता है, पद कहाँ है, आपको क्या दिया गया है? अब प्रोफेसर साहब अगर मेरे सामने बैठे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के अध्येता हैं, लेकिन चूंकि इस समय मैं यहाँ आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ, वो मुझे सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके बड़प्पन को देखकर मैं आपको ये समझ लूँ ठीक है तो फेलो हैं होते रहे, मैं अगर आपको सम्मान नहीं दे रहा तो मेरी संस्कृति के विपरीत बात हो जाएगी। मैं आपको सम्मान दूंगा, क्योंकि मेरे पिता मुझसे कहा करते थे देखो भाई अगर ईश्वर ने किसी को तुमसे एक दिन भी बड़ा बनाया है उसका बड़प्पन तुम छीन नहीं सकते। तुम कितने ही पद में बड़े हो जाना, कितने ही धन में बड़े हो जाना, कितने ही विद्या में बड़े हो जाना, लेकिन वो तुमसे एक दिन बड़ा रहेगा। तो मैं कहीं जाता हूँ वो बुजुर्ग मिलते हैं, सबसे पहले पूछ लेता हूँ सर मैं 1941 में पैदा हुआ था आप बता दीजिए, अगर वो कहते हैं नहीं साहब मैं तो 45 में, मैं तब आप मेरे छोटे भाई, मैं बड़ा हूँ, आयु से बड़ा हूँ, तो वहां जाकर वो बात बनती है। और यही कारण है कि जो आपके डायरेक्टर साहब ने कहा था कि मुझ में पॉजिटिवनेस है, मैं वही पॉजिटिवनेस की जीता हूँ। बहुत गरीब घर से था, मुझे बीए में जाकर पेंट मिली थी, बीए फाइनल में था तब मेरे घर में बिजली आई थी, मैं तो म्यूनिसिपल बोर्ड के लट्टू के नीचे बैठकर गंगा के किनारे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने गया था। वही है मेरे मित्रों, अभाव हैं तो आपको भाव मिलेंगे, आप दर्द सह लेंगे तो निश्चित रूप से आप कवि बन जाएंगे। जाके पाओ ना फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, पीर समझने के लिए तो आपको सहानुभूति चाहिए। जब तक सहानुभूति नहीं है और सहानुभूति दिखावे की नहीं कि साहब वैसे तो बहुत हैं, किसको सगा कहें है ना, किसको अपना कहें, सारे हंस के मेरे हाल पे हंस रहे हैं सब, मैंने कहेंगे बड़ी वो देने आएंगे, वैसे अच्छा हुआ साले का मर गया ठीक, वो बहुत इतराता था, अरे भाई अभी तो मेरे से सहानुभूति व्यक्त करने आया था और अभी जाके मुझे गली गली में गाली दे दी, वही निगेटिव आ जाता है। हम अपने इसको ही नहीं दबा पाते। जिस दिन मित्रों हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम सब चाहे भाषा कुछ भी लिख रहे हों हम कवि हो जाते हैं, हम अपने आप को व्यक्त करने लगते हैं। कविता कागज पर नहीं आती, बेनेडिक्टो क्रोचे तो ये कहता है कविता तो जिस दिन आप किसी वृक्ष की ऊंचाई देकर देवदारू कहते आह क्या बनाया भगवान ने, वही कविता बन गई, वही कविता होती है। जिस दिन आपके मुंह से आ या वाह निकल जाता है, अरे कविता बन गई। कविता कोई शब्दों से थोड़ी होती है, आ और वाह दोनों में कविता है भाई। और फिर आपकी कविता तो
आपके सामने होती है, रोज आप बोलते हैं ऐसी की तैसी, सीधे सीधे दो अलंकार मिला रहे हैं, ऐसी और तैसी। एक बहुत बढ़िया चुटकुला है, एक सरदार जी की पत्नी जरा ज्यादा ही व्यस्त रहा करती थी, शाम को आते थे बोले मर गई आज तो, बहुत काम किया। क्या किया? बोले पहले रोटी वोटी बनाई, कपड़े वपड़े धोए, फिर सब्जी वब्जी लाई, फिर आटा वाटा भिजवा के लाई। तो सरदार जी बोले तू भी तो पागल है, अरे आधा काम बेकार करती है आधा किया कर, रोटी बनाया कर रोटी छोड़ दिया कर, सब्जी लाया कर वब्जी मत लाया कर, कल से आटा पिसवाया कर, आटा क्यों पिसवाती है? क्या जरूरत पड़ी? डबल डबल काम करेगी थकेगी, अब बताइए। तो कविता है ना, आप हर वक्त कविता कह रहे हैं, आप बताइए कि यार क्या करूं, आज तो सारा तेल निकल गया, पसीने को तेल कह रहे हैं आप, तेल तिलों में से निकलता है यार, आपका तेल कैसे निकल गया? निकल गया, आप ही कह रहे हैं। बोले आज तो इतना सारा तेल निकल गया, तेल कैसे निकल गया भैया? व्यंजना में कह रहे हैं, लक्षणा में कह रहे हैं, देखिए आप कविता कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि आप कविता सिर्फ वो छंद लिखेंगे तभी कविता बनेगी, कविता तो आपकी हर बात में कविता है, साहित्य तो आपकी, वो वही कहता है कि कविता तो पहले स्वयं प्रभ ज्ञान जब है, आपके भीतर किसी चीज को देख के उल्लास आया है, आपके भीतर किसी चीज को देखकर उदासी आई है, तो वो केवल आपके पास आई है, और जिस दिन आप उसको व्यक्त करने की बात सोचते हैं आप ट्रांसलेशन ऑफ द फैक्ट करते हैं, जितना आपने देखा है उसको आप ट्रांसलेट करते हैं, चाहे शब्दों में, चाहे कला रंगों में, चाहे स्वरों में, संगीत में आप ट्रांसलेट करते हैं, और तब उसकी अभिव्यक्ति चौथे नंबर पर होती है। इसीलिए क्रोचे कहता है अभिव्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होती। एक कविता पढ़ के आपको लगता है यार इससे भी बढ़िया लिख सकते थे, इससे भी अच्छी लिख सकते थे। तो ये इन तीनों का संबंध समाज का, साहित्य का और संस्कृति का बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप अपने आप को कहीं कहें कि आप पैदा हुए हैं तो माता पिता ने आपको पाला है, उनका सम्मान करना आपका धर्म हो गया, उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं उनका पालन करना, समाज में जाके उनको लेकर आप एक दूसरे से व्यवहार करेंगे आपके मित्र बन जाएंगे। इंदर जी तो मुझे सोलन में मिले अभी पिछले वर्ष, और वहां मिले हैं, इंदर जी ने मुझे गुरु मान लिया, मैंने इंदर जी को कभी पढ़ाया नहीं, उन्होंने कहा आप गुरुदेव हैं, मैंने कहा इंदर जी गुरुदेव हो गया हूं, कोई पढ़ाएंगे तभी, और इतने भी जिन्हें पढ़ा रखा है वो गुरुजी नहीं मानते। एक पीएचडी के स्कॉलर थे, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही थे सब, सारस्वत मोहन मनीषी, बड़ा वीर रस का कवि है, जब तक पीएचडी कराई उसको तो उसके साथ साथ बत्ती नहीं होती तो मैं भी चटाई पे मैदान में ही सो जाया करता था, और जिस दिन उसका पीएचडी का वायवा हुआ उस दिन मैं गुरुजी से भाई साहब बन गया। बोले भाई साहब आज तो, मैंने कहा देख भाई सारस्वत मोहन, जैसे मुसलमान माँ अपने बेटे का खून बख्श दे, वो दूध बख्श देती है, हमने अपनी दक्षिणा बख्श दी, हम कभी तुझे शिष्य नहीं मानेंगे, और मैंने सचमुच उसको कभी शिष्य नहीं माना। अबे मैं आज भाई साहब हो गया गुरुजी से एकदम, मतलब ये भी हुआ है जीवन में प्रत्यक्ष हुआ है, संस्कार कम हो गए। क्योंकि वो क्या कहता था, सर मंच पे आप भी जाते हैं तो आप भी कविता करते हैं, उसी मंच पे मैं भी करता हूं। हाँ भाई तू तो मेरा बाप हो गया है ना, अब बताइए भाई तू बहुत बड़ा कवि है, मैं तो बहुत छोटा था, कद में भी छोटा हूं, तो ये करके जब कहा करता था, आइए साहब मैंने भाषण नहीं किया, मैं बातचीत कर रहा हूं अपने मित्रों से। तो आप ये मानिए कि भाई हम सब समाज हैं। मैक्सिको तो बहुत लोग गए थे, हम लोग 21 लोग गए थे एनबीटी की तरफ से, और ये तो शायद अपनी तरफ, ये तो एनबीटी से गए भी नहीं थे, मैं ही एनबीटी से गया था, और वहां ये मुझे कहते हैं कि सर गढ़वाल विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर मंजुला राणा, वो मुझे पिता मानती, मैं उसको बेटी कहता हूं। जब वो चली जल्दी में उसका पासपोर्ट छूट गया और वो वहां पहुंच गई एयरपोर्ट, तुरंत उसने मुझे फोन किया, सर मेरा पासपोर्ट तो वहीं रह गया। अरे मैंने कहा बेटा जाएगी कैसे, मैंने वहां कहा जो लोग रिसेप्शन पे थे, मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट जाना है, सर हमारी तो कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं, मैंने कहा आप टैक्सी मंगवा लीजिए, सर ही विल चार्ज $10, मैंने कहा कितना भी लेगा वो, तुरंत बुलवा दीजिए मुझे टैक्सी, मुझे जाना है। आप यकीन मानिए जिस समय मैं पहुंचा हूं वो ऐसे मेरे गले लग के बस रोई है, मैं समझता हूं कि मंजुला ने मेरी उस यात्रा का फल मुझे उस दिन दे दिया,
मैं सर पर हाथ फेर रहा था, नहीं सर बस आप ही थे जो ला सकते थे, नहीं तो मैंने कहा बेटा तू मेरी बेटी है, मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा, मुझे ही क्यों कहा तूने, किसी और को भी तो कह सकती थी, नहीं सर। और जितनी देर वो मेरे गले लग के रोई, मुझे लग रहा था पता नहीं मुझे अमृत मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा था। तो मित्रों भावनाएं आपके पास हैं तो आप जिंदे हैं, ये 2.5 इंच की थैली आपके पास अगर है आप जिंदे हैं, वरना आप सांस लेने वाले रिबोट हैं, रोबोट हैं आप। रोबोट बन के जीना चाहें तो जीते रहिए, इंसान बन के जीना हो तो आप भले ही कविता ना कर सकते हो लेकिन कविता करने वालों से परहेज मत कीजिए, नंबर एक। और जो भी व्यक्ति आपको कहीं मिले उससे कहीं भावना से मिल लीजिए, संवेदना से मिल लीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कुछ देकर ही कुछ मिलता है, देखिए कुछ देकर ही कुछ मिलता है, दुख सहकर ही सुख मिलता है, है अटल नियम इस सृष्टि का, बीज गलकर ही पुष्प खिलता है, बीज गलकर ही पुष्प खिलता है। आप गलेंगे नहीं तो पुष्प बनेंगे नहीं, पुष्प नहीं बनेंगे तो महक कैसे मिलेगी समाज को भाई, महक तो तभी मिलती है जब फूल खिलता है। तो कहीं खिलिए, कहीं खिले। मैं कोई स्कॉलरली आपको व्याख्यान देने नहीं आया था, आप सब मेरे लिए मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं। मैं ये सोचा कि जब जा रहा हूँ आज का दिन आप लोगों से बात कर लूँगा, आपके साथ बैठ लूँगा, और कुछ ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो गई कि मैं अपने आप को आजकल अशक्त महसूस करता हूँ, बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ, इसीलिए आप लोगों के बीच आकर ये सोचता हूँ कि शायद मुझे ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे मिल जाएं कि मैं कुछ देर के लिए अपने उस दुख को भूल जाऊँ, ये कर लूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज सब लोग। मैं प्रोफेसर साहब से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहूँगा। प्रोफेसर साहब मैं 7 जनवरी 1941 बॉर्न हूँ, अब मुझे पता नहीं आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि शुभकामनाएं दे रहे हैं जी बयालीस, तब तो थोड़ा सा मैं ही बड़ा हो गया हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपको। मैं कहीं कोई कमी रही हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूँ अपने इन अध्येता मित्रों की ओर से। हम यहाँ संस्थान में अक्सर बहुत नीरस प्रकार के सिद्धांतों के निर्वचन और व्याख्या में लगे रहते हैं, आज पहली बार ऐसे लगा कि मुझे लगता है कि अपनी बात सारी बातों को आपने दृष्टांतों से पुष्ट करके कहा, उदाहरणों से पुष्ट करके कहा, और ये बहुत दुर्लभ किस्म की कला है। मुझे लगता है आदमी जैसे जैसे उम्र दराज होता है उसके पास दृष्टांतों की और उदाहरणों की खेती हो जाती है, उदाहरणों का भंडार उसका बड़ा होता जाता है। आपने साहित्य समाज और संस्कृति के की पारस्परिकता पर भी और इन पर अलग अलग भी बहुत सारी बातें कही है, और मुझे लगता है उदाहरणों से पुष्ट करके कही है, दृष्टांतों से पुष्ट करके कही है, और ये हमारी परंपरा भी है। महाभारत में भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं तो वे अपने सभी उपदेशों को एक दृष्टांत से, हर उपदेश को एक दृष्टांत से पुष्ट करके कहते हैं। और आज का ये व्याख्यान हम सब के लिए बहुत सरस, मुझे लगता है बहुत सरल भाषा में बहुत रोचक ढंग से आपने अपनी बातें कही है। मैं अपने इन सभी फेलो मित्रों की ओर से और संस्थान की ओर से आपका कृतज्ञ हूँ, और मैं आप सभी मित्रों को आमंत्रित करता हूँ कि खैर से पहले कविता होगी और उसके बाद सवाल किसी को पूछना होगा, एक बार पहले आपने यही कहा था, चलिए अगर आपको समाप्त कर, मैं तो चाहता हूँ कि वैसे आप जैसा ही हूँ, आप कोई सवाल पूछेंगे जरूर जवाब दूंगा, सवाल में मैं बहुत कच्चा रहता हूँ, मैंने बताया था ना मैं तो मेरी सवालों को, तो मैं फिर भी आपसे बैठे हैं वो नहीं, जरूर जरूर मैं चाहूंगा मैथमेटिक्स वाले कुछ पूछ ले मुझसे, तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी जिज्ञासाएं अपनी टिप्पणियां सर के सामने रखें। डॉक्टर साहब बैठी है ना मेरी, ऐसा मैंने बायोलॉजी में कुछ गलत तो नहीं कह दिया था, दायां आरिकिल बायां आरिकिल होता है, उसे ऊपर वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। राजू सर
अच्छा अच्छा चलिए, हाँ मैं आर्टिकल भूल गया, वो 12वीं 1960 में की थी सर। मैथमेटिक्स वाले राजू सर आ गए। हाँ राजू सर कुछ भाई गणित हूँ, पहले ही कह दे रहा हूँ आपको। आपने जो कहा उस पे सवाल कोई क्या उठा सकता है? तो आप तो पूरे नंबर से पास हो जाएंगे, सवाल ही नहीं तो साहब ये मेरी खुशकिस्मती है, अगर आपको बताऊं तो सारे लोग आप हंसेंगे। 12वीं में मैंने बीजगणित और रेखा गणित में 7 कॉपियां भरी थी और 1 नंबर आया था। मैंने कहा भाई ये 7 कॉपी में एक एक नंबर भी हर एक में देता तब भी 7 हो जाते, ये क्या हुआ, एक ही कहाँ आया? और मैं समझ में, सारे सवाल सही थे लेकिन अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, होता क्या था, आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे साथ मेरी एक क्लास फेलो थी, हम डिबेट में जाया करते थे, वो बहुत अच्छी गणित में थी, तो अब डिबेट तो मैं उसे लिख के दिया करता था, मैं जाता था फर्स्ट, वो इस कंसोलेशन या थर्ड आ जाती थी, हम लोग शील्ड जीत लाया करते थे, तो उसकी कॉपी लेकर मैं भी टिप दिया करता था, ये कर देता था। लेकिन अब सवाल ऐसे तो नहीं आते। एक दिन मैंने, वो मुझसे कहने लगी तू मेरी कॉपी लेकर टिपता है, इससे अच्छा तो मुझसे पढ़ लिया कर। मैंने कहा मैं और तुझसे पढ़ लिया करूं? मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ा और मैं फेल हो गया था। और फिर मैंने ड्राइंग ली थी मैथमेटिक्स की जगह और ड्राइंग से फिर मैं पास हुआ था। तो गणित से डरता हूँ। मेरी पोती ने मैथमेटिक्स में जब पीएचडी किया तो ताऊ जी, वो छोटे भाई की बेटी है, मैंने कहा बेटा तू ताऊ जी से बहुत ऊंची निकल गई, ताऊ जी तो 12वीं में भी फेल हो गए थे, उसका बाप भी फेल हो गया था गणित में। लेकिन उसने पीएचडी कर लिया। तो राजू साहब मैं नमस्कार कर रहा हूँ आपको। हाँ एक चीज जरूर है, मैं कुमायूं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर धाबी साहब थे तो वहां वो मैथमेटिक्स के थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे कवि सम्मेलन के बाद, बोले भाई मैं तो गणित का आदमी हूँ तो मैं क्या कविता के बारे में कहूँ। तो मैंने कहा धामी साहब अगर आप आज्ञा दें तो मैं बताऊं कि गणित भी कविता में आ जाता है। बोले कैसे प्रोफेसर साहब? मैंने कहा साहब एक शेर सुना रहा हूँ जिसमें पूरा गणित है और दर्शन है साहब। सनम ने किया है वादा 5वें रोज आने का, सनम ने किया है वादा 5वें रोज आने का, सुन लिया होगा किसी से जिंदगी 4 दिन की है। अब आप देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है और गणित के माध्यम से सामने आ रही है। सनम बेवफा नहीं है, 5वें दिन आने का वादा कर रही है, लेकिन अब उसे क्या पता जिंदगी 4 दिन की है, हम तो चल देंगे। कयामत है। अरे साहब तभी तो अब कयामत में ना वो रहेगी ना मैं रहूंगा। वही 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 वही, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत बढ़िया शेर है साहब, बहुत गजब का शेर है। तो कुछ कहिए राजू साहब। आपने एक बात कही थी जी सर कि साइंस जहां शुरू होता है वहां कविता खत्म हो जाती है। जी तो उससे मैं सहमत नहीं हूं। नहीं मैंने ये नहीं कहा था सर, मैंने नहीं कहा, ये एक फिलोसोफर ने कहा एज साइंस एडवांसेस, ये नहीं कहा कि खत्म हो जाती है, एज साइंस एडवांसेस पोएट्री डिक्लाइंस, डिक्लाइंस खत्म नहीं होती, प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है अब उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ। जी 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 कि ये जो साइंस की अवधारणा है जी पश्चिमी अवधारणा है, तो मेरी जो सोच है साइंस के बारे में कि उसमें स्पॉन्टेनिटी होना बहुत जरूरी है। जी 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 अब ये खाली मैं कह रहा था कि और आपको मालूम होगा अफलातून ने क्या कहा जी, आज उसके बारे में बात कर रहा हूँ जयपुर डायलॉग में जी, कि रिपब्लिक में कि मैथमेटिक्स क्यों सिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे रहस्यवादी कविता होती है उसका रहस्यवादी मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स शब्द की बिल्कुल जी अपने ही मैथेसिस से हुई है जी। और उसने कहा कि मैथमेटिक्स इसलिए सिखाना चाहिए जी उसके व्यवहारिक लाभ के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि उससे आत्मा का उत्थान होता है। जी 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 मैथमेटिक्स और म्यूजिक को दोनों को जोड़ा कि दोनों से आत्मा ऊपर आती जी।
ये अफलातून का था, अफलातून की सोच जो मिस्र की रहस्यवादी ज्यामिति है उसकी थी, आज की तारीख में जो पढ़ाया जाता है वो नहीं जी। तो मैं उसको बदलना चाहता हूँ जी। तो आप जैसे लोग फिर डरेंगे नहीं। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, वो मैं सुना रहा हूँ विज्ञान और साहित्य के लिए। एक वैज्ञानिक ने एक विज्ञान मानव बना लिया, और विज्ञान मानव बनाया, उसमें जैसे ही दिमाग डला तो वो बोला कि देखो वैज्ञानिक जी, बनाया तो आपने ही मुझे, लेकिन अब अगर मुझे कोई काम नहीं बताएंगे तो सिर्फ एक मिनट इंतजार करूंगा वरना गला दबा दूंगा। तो वैज्ञानिक बोला, अरे मेरे पे इतने काम पड़े हैं, चिंता क्या करता है, बताऊंगा। अब वैज्ञानिक काम बताने लगा और उसका बनाया हुआ विज्ञान मानव काम करने लगा। अब एक घंटा हुआ वैज्ञानिक के पास काम ही नहीं। अब जब काम नहीं तो वो तो उसी का बनाया विज्ञान मानव बोले अब गला दबाऊंगा। अब आगे आगे साइंटिस्ट और पीछे पीछे उसका बनाया हुआ विज्ञान मानव, दोनों दौड़ रहे हैं। अब प्राण बचाना चाह रहा है, अपनी सृष्टि से प्राण बचाना चाह रहा है। देखा तो नदी के किनारे एक कुटिया थी, वो वैज्ञानिक कुटिया में घुस गया, वहां एक साधु जी तपस्या कर रहे थे, जाके उनके चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे बचा लीजिए। बोले क्या हुआ? बोले मैंने ही सृष्टि की थी, मैंने ही इसे बनाया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैं, इसने मेरी शर्त लगी थी कि मैं तुझे काम बताता रहूंगा और तू करिए, और इसने कहा था अगर काम एक मिनट नहीं बताओगे तो गला दबा दूंगा, अब मेरे पे कोई काम नहीं। तो बोले इतनी सी समस्या है सिर्फ? बोले हाँ। बोले इससे कहो कि अब इसे काम मैं बताऊंगा। वैज्ञानिक क्या चाहता था? उसकी मुसीबत टले। उसने कहा ओ भाई विज्ञान मानव, अब तेरे मालिक ये हैं, ये तुझे काम बताएंगे। उसने कहा मुझे तो काम चाहिए, ये बताए या तू बता। अब साधु महाराज ने कहा देख भाई मैं बताऊंगा काम। बोले बताइए। बोले वो सामने पेड़ देख रहा है ना? बोले हाँ जी देख रहा हूँ। बोले ऐसा कर जब तक दूसरा काम बताऊं तब तक उस पर चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतर, तब से विज्ञान मानव उस पेड़ पर चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। माँ सब मजा कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी बच गया है, साधु जी भी बच गए हैं। ये है सब विज्ञान की असलियत, वास्तविकता है ये। माने विज्ञान ज्ञान से आ रहा है, इंटेलेक्ट से आ रहा है, साहित्य इंट्यूशन से आ रहा है, बस इतना ही फर्क है सर। मैं साइंस का कभी विरोधी नहीं हूं, 12वीं तक पढ़ा हूं। ये जो बात है जी, ये आज सच होने जा रही है, क्योंकि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम बनाते हैं जी सर, और जो क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं जी जी, वो कुछ ऐसे ही हैं कि हमसे आगे बढ़ गया है काफी जी जी जी। जैसे कि शतरंज का खेल है, तो शतरंज के खेल में कोई आदमी मशीन से जीत नहीं सकता जी सर, लेकिन दूसरी और ये भी है कि वो खुद सीखता है, बनाया जी, आपने होगा, आपने करी होगी, लेकिन वो गुरु जी से फिर भाई साहब बन जाता है, भाई साहब से नहीं सर। मैं तो आभारी हूँ आपका, आपके सामने मैं सचमुच कुछ नहीं हूँ। विज्ञान मित्र पूछना, विज्ञान तो विज्ञान है। नहीं मैं और कुछ कह रहा था, वो ये कह रहा था कि हम कंप्यूटर को मशीन समझते हैं जी, कि उसमें भावना नहीं है, लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें थोड़ा सा इंसान का अंश जुड़ा होगा जी जी। यानी एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आपके टेलीफोन के समान एंड्रॉइड नहीं, लेकिन एंड्रॉइड यानी कि थोड़ा कुछ लाइफ है, ह्यूमन है, और थोड़ा कुछ मशीन है, दोनों के मिलजुल के बना है। तो ये हमारा फ्यूचर है। एक बात मानेंगे सर, छोटी सी बात है, आप चाहे जितना सुपर कंप्यूटर बनाए लेकिन बनाएंगे तो इसी कंप्यूटर से ना? नहीं नहीं, आपको ईश्वर ने दिया, बना लेगा वो खुद, बना लेगा, हम थोड़ा सा बनाएंगे जी, आगे की बात खुद करेगा। चलिए तो ये जो पुरानी चीज थी कि हम प्रोग्राम बनाएंगे और कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, उसको छोड़ के कंप्यूटर खुद सीखेगा और वो आगे बढ़ के और कंप्यूटर बनाएगा। साहब ये तो ईश्वर करे ये बन जाए, वो हमें एक ईश्वर चाहिए आजकल। अब हमें ईश्वर चाहिए, हमें एक ईश्वर चाहिए सर। अभी पिछले दिनों मुझे बहुत परेशानी हुई तो मेरे न्यूरो सर्जन ने कहा कि आपका दिमाग सुपर सेंसिटिव हो गया है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। बोले जब कंप्यूटर में बहुत ज्यादा कुछ फीड कर दिया जाता है साला वो करप्ट हो जाता है, वैसे आपका दिमाग कुछ करप्ट हो रहा है आजकल। अब बताइए मैं क्या करूं? एक एंटीवायरस प्रोग्राम ले लें। मैं आपसे मिलूंगा सर कल।
चल मुझे वो एंटीवायरस चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज की हमारी ये गोष्ठी को जीवंत कर दिया सर। और कोई मित्र कुछ पूछना चाहे या कोई टिप्पणी करना चाहे? पूछने की चीज थी नहीं। अभी कविता जरूर सुनिएगा सर। मुझे जरा शाम को भाषण देना है तो इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। मैं तो आपसे सिर्फ 10 मिनट चाहूंगा, 10 मिनट में मैं गीत सुना रहा हूँ एक। जी जी जी, शुरू ही कर देता मैं, पहले गीत कर देता हूँ उसके बाद फिर आप लोग कराइएगा, फिर अंत में एक गीत कहूंगा। तो आप कुछ ब्रेक लेना या वैसे ही चाहे के ब्रेक? वो डॉक्टर बैठी हुई है, उन्होंने कह दिया था मुझे कि कुछ भी होगा तो इतनी दवाई तो दे दूंगी रुड़की तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा जो हिस्सा है इस कार्यक्रम का वो हम आरंभ करते हैं, वो है कविता पाठ। और मेरा अनुरोध यही है डॉक्टर अरुण जी से, उसकी भी शुरुआत मैं करूंगा, कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं हम मंत्री महोदय के गीत से शुरुआत करें। हमारे मंत्री जी गीत कम लिखते हैं और वो गीत जब लिखते हैं, अभी पिछले दिनों लिखा है भूल पाता नहीं, वो गीतों का ही संग्रह है और उसमें उन्होंने जो गीत लिखे वो कई संगीतकारों ने गीतबद्ध किया है, लेकिन मैं उनके एक पुस्तक है जिसमें छोटी छोटी कविताएं हैं वो सृजन के बीज, जो मैंने आपसे कहा था कि बीज ही सृजन करता है, बीज में ही सृजन की शक्ति है, एक छोटी सी कविता जब उन्होंने ये संग्रह छपा था सृजन के बीज, मजे की बात थी भूमिका मैंने ही लिखी थी आज से 5 साल पहले, लेकिन अभी जब ये लॉकडाउन लगा मैं रांची से लौट रहा था और दिल्ली से रुड़की तक आने के लिए कोई साधन नहीं था, मैंने कहा क्या करूं निशंक जी, उन्होंने मुझे लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के गेस्ट हाउस में रुकवा दिया और वहां उन्होंने दोबारा से ये सृजन के बीज और अपनी कुछ कविताएं भेज दी कि गुरु जी इनसे आप समय काट लीजिएगा। तब मैंने वहां अकेले रहकर जब सृजन के बीज को दोबारा पढ़ा तब मुझे लगा कि ये तो अमूल्य चीज हो गई। हमारे यहाँ एक इंस्पिरेशनल पोएट्री होती है, प्रेरणादायक कविता, प्रेरणामूलक कविता, इसकी हर कविता प्रेरणामूलक है। और तब अब एक ही कविता मैं सुना रहा हूं आपको, भीगा हुआ आदमी, भीगा हुआ आदमी कभी बारिश से नहीं डरता। क्या बात। अब देखिए, भीगा हुआ आदमी कभी बारिश से नहीं डरता और कफन सिर पर बांधने वाला कभी मौत से नहीं डरता। आगे कहते हैं सच की राह में तो ढेरों बाधाएं आती हैं, सच की राह में तो ढेरों बाधाएं आती हैं, किंतु अटल निश्चय देख वे बुलबुलों सी सिमट जाती हैं। और अंतिम लिखते हैं अथक बढ़ता जाता वह, अथक बढ़ता जाता वह, बाधाएं नहीं डराती हैं और देखते ही देखते उसको मंजिल मिल जाती है। तो ये एक छोटी सी बात है और छोटी सी बात में वो अपने आप ये कह देते हैं कि साहब मैं क्या कहूँ। मैं आपको एक और छोटी सी कविता उनकी इसलिए सुनाना चाहता हूँ जिस कविता से आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कभी अपने आप को, उसने राजनेता को अपने पे ओढ़ा नहीं। एक उपन्यास लिखा था उन्होंने निशांत, नायक निशांत है लेकिन चरित्र नायिका का इतना उदात्त है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सुनो निशंक जी, नायिका का चरित्र इतना उदात्त है तो शीर्षक निशांत क्यों रखा? बोले गुरुजी आपने ही तो मुझे प्रसाद के चंद्रगुप्त की बात बताई थी कि